अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग वारिया सीरीज की कहानी, खोपड़ी पर जलती मोमबत्ती। तिरतुश की लाश पर आग का कुछ असर नहीं हो रहा था। लाश अब शाही महल की तरफ बढ़ने लगी। महल में अफरा तफरी मच गई। सिपाही इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। किले की दीवार पर से लाश पर भारी पत्थर फेंके जाने लगे, मगर पत्थर तिरतुश के सर से टकरा कर टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ते। अंबर और मारिया भी सख्त फिक्रमंद थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस खूनी अफरीद पर क्यों कर काबू पाया जाए। बादशाह ने महल के सारे दरवाजे बंद करवा दिए। तिरतुश की लाश महल के दरवाजे के सामने वाले बाग में पहुंची तो मस्जिद में से अजान की आवाज गूंजी। तिरतुश की लाश ने मुंह ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखा, फिर दोनों लंबे लंबे हाथी की टांगों जैसे बाजू बुलंद किए। मुंह से बारीक मगर बेहद तेज चीख निकली और लाश जमीन से उछली और फिर वह जमीन में धंसती चली गई। सब लोग मुंह खोले हैरत से ये करिश्मा देख रहे थे। तिरतुश की लाश शाही महल के बाग में जमीन के अंदर उतर गई और पूरी की पूरी धंसकर गायब हो गई। सबने इत्मीनान का सांस लिया। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि जहां अफरीद जमीन के अंदर गायब हुआ है वहां पत्थरों को जोड़कर एक पुख्ता चबूतरा बना दिया जाए ताकि वो दोबारा जमीन से बाहर ना निकल सके। अंबर और मारिया वापिस सराय की तरफ चल पड़े। अंबर ने कहा, मारिया ये लोग समझते हैं कि तिरतुश की लाश गायब हो गई है और अब वो वापिस नहीं आएगी, हालांकि उन्हें मालूम नहीं कि वो किसी भी जगह से दोबारा जमीन से बाहर निकल सकती है। मारिया बोली, यही मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन अंबर भैया हम इन लोगों को इस लाश की मुसीबत से कैसे निजात दिलाएं? अंबर ने कहा, तुमने देखा होगा कि लाश मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनकर जमीन के अंदर धंस गई थी। हाँ ये तो ठीक है, मगर इससे पहले वो अजान की आवाज़ के बगैर जमीन में गायब हो गई थी। फिर कुछ याद करके बोली, अंबर मैं तय खाने से छह कोनों वाला तिलिस्मी सितारा उठा लाई हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सितारा हमारी कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इस सितारे की मदद से ही उस यहूदी ने लाश पर तलिसम किया था। अंबर ने कहा, तांबे का सितारा हमारी क्या मदद कर सकता है मारिया? हमें तो इस पर किए गए तलिसम के बारे में कुछ भी इल्म नहीं। मारिया बोली, क्यों ना हम मलका नफरीती के अहराम में चलकर इस सितारे के तलिसम के बारे में खोज लगाएं। अंबर कहने लगा, अगर तुम चाहती हो तो चले चलते हैं, मगर मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। कोशिश करनी चाहिए, मारिया ने कहा। वो दोनों शहर के बड़े दरवाजे से बाहर निकले और घोड़े का रुख अहराम मिस्र की तरफ मोड़ दिया। दोपहर के वक्त सहरा में धूप तेज थी, मगर आसमान पर दूर कुछ काले काले बादल भी चले आ रहे थे। अहराम के आसपास का सारा इलाका वीरान वीरान था। शहर में तिरतुश के भूत की तबाही की वजह से लोग शहर से एक बार फिर भाग उठे थे और अहराम मिस्र के इर्द गिर्द चंद एक झोंपड़ियाँ बनी हुई थी, वो भी खाली हो गई थी। देखो अंबर, ये इलाका कितना सुनसान हो गया है। हाँ मारिया, अगर तिरतुश की लाश की ये तबाहकारी जारी रही तो यह सारा हंसता मुस्कुराता शहर सुनसान हो जाएगा। वो दोनों मलका नफरीती के अहराम के बाहर घोड़े से उतरे और अहराम की वीरान सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग में दिन के वक्त भी गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अंबर और मारिया को अंधेरा परेशान नहीं करता था, वो अंधेरे में भी देख लेते थे। मलका नफरीती का ताबूत वैसे ही खुला और खाली पड़ा था और उसके चबूतरे में वो सौराख उसी तरह खुला था जिसके अंदर से यहूदी जादूगर के साथी ने हाथ डालकर तांबे का तलिस्मी सितारा बाहर निकाला था। मारिया ने कहा, मैं इस सौराख के अंदर जाकर देखती हूँ कि अंदर क्या है। मारिया चौड़े सौराख में से अंदर दाखिल हो गई। उसके अंदर कब्र जैसा अंधेरा और घुटन थी। मारिया ने एक एक कोने को गौर से देखा, वहां कुछ भी नहीं था। मारिया ने बाहर निकलकर अंबर को बताया कि सौराख के अंदर सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं है। अंबर ने कहा, बाहर भी सिवाय अंधेरे और खाली ताबूत के और कुछ नहीं है। फिर वह दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और बोला, मारिया हमें उस बला को खत्म करने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। मारिया ने कहा, हम और क्या कर सकते हैं अंबर? उसकी ताकत हमसे ज्यादा है, उस पर तो अब इस तावीज का भी असर नहीं होता जो तुम्हारे बाजू के साथ बंधा हुआ है। अंबर ने कहा, लेकिन अजान के अल्लाहु अकबर की आवाज का उस पर असर हो गया था और वह जमीन में गायब हो गई थी। मारिया कहने लगी, तो फिर सारे शहर में अजाने देनी शुरू कर दी जाएं। अंबर बोला, ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? मारिया ने कहा, तो फिर शहर चलकर इमाम मस्जिद से बात करते हैं। वो एहराम से उठने ही वाले थे कि मारिया को छह कोनों वाले तांबे के तलिस्मी सितारे का ख्याल आ गया। उसने कहा, जरा ठहरो अंबर, मैंने इस सितारे को नहीं आजमाया, यहूदी जादूगर के शागिर्द ने इसे अंदर से निकाला था। मैं इसे अंदर ले जाकर कोने में रखाती हूँ। अंबर ने कहा, उससे क्या होगा भला, शायद कोई बात बन जाए, हमें कोशिश तो कर लेनी चाहिए। चलो ये कोशिश भी करके देख लो। मारिया ने तिलिस्मी सितारा अपने हाथ में थामा और दूसरी तरफ सुराख में से गुजरकर अंदर जो कबर सी बनी हुई थी उसके कोने में जाकर सितारे को रख दिया। जो ही उसने सितारा कोने में रखा, कबर की सामने वाली अंधेरी दीवार पर एक बहुत बड़ी इंसानी आंख जाहिर हुई और तेज हवा चलने लगी जैसे आंधी आ गई हो। मारिया के पांव उस तेज आंधी में उखड़ गए।
आंधी की तेज हवा का रुख इंसानी आंख की तरफ था। मारिया ने देखा कि हवा के चलते ही आंख के डेले में एक इंसानी शक्ल नमूदार हुई, जो दोनों हाथों से अपना सीना नोच रही थी और उसके होंठों से चीखों की आवाजें निकल रही थीं। मारिया ने अंबर को पुकारा, अंबर। मगर अंबर को ना तो सुराख के अंदर चलने वाली आंधी का शोर सुनाई दिया और ना मारिया की आवाज ही सुनाई दी। मारिया के पांव जमीन से ऊपर उठ गए थे और तेज हवा उसे इंसानी आंख की तरफ लिए जा रही थी। मारिया ने बाहर की तरफ भागने की बहुत कोशिश की, मगर तेज आंधी के झकड़ों ने उसे बेबस कर दिया और वह देखते देखते इंसानी आंख के डेले में दाखिल हो गई। इसके साथ ही इंसानी आंख के डेले में चीखती इंसानी शक्ल गायब हो गई। अंबर को सुराख के बाहर चबूतरे के पास बैठे जब देर हो गई तो उसने मारिया को आवाज दी कि वो इतनी देर से अंदर क्या कर रही है। सुराख के अंदर से कोई जवाब न आया। अंबर को फिक्र हुई, उसने सुराख में से झांक कर देखा, उसे अंदर सिवाय अंधेरे के और कुछ नजर न आया। अंबर ने एक बार फिर मारिया को आवाज देकर पुकारा, कोई जवाब न आया। अब तो अंबर परेशान हो गया, उसने सुराख के इर्द गिर्द लगे पत्थरों को उखाड़ना शुरू कर दिया। अब वहां इतना रास्ता बन गया कि अंबर उसमें दाखिल हो सकता था। वो सुराख के अंदर रेंग कर दाखिल हो गया। उसे मारिया की खुशबू भी नहीं आ रही थी। उसने मारिया को कई बार पुकारा, मारिया ने कोई जवाब ना दिया। वो अंदर होती तो जवाब भी देती। उसने कोनों में देखा, मगर वहां तांबे का तिलिस्मी सितारा भी कहीं नहीं था। दीवार पर भी अंधेरा छाया हुआ था। अंबर की समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक मारिया कहाँ गायब हो गई। मारिया की खुशबू के ना आने से एक बात साबित हो गई थी कि मारिया वहां नहीं थी, तो फिर वो कहाँ चली गई। वो तो अंबर के सामने सुराख में दाखिल हुई थी और अंबर ने उसकी खुशबू को सुराख में जाते महसूस किया था। अंबर सुराख के अंदर से बाहर आ गया, उसने कई बार मारिया को आवाज दी, कोई जवाब ना आया। अंबर बोझल दिल के साथ वहीं बैठ गया। उसे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि मारिया इस तरह उसे अचानक जुदा हो जाएगी। फिर वह उठा, उसने एहराम में चारों तरफ देखा। नफरीती के खाली ताबूत में झांका, मारिया की खुशबू कहीं से भी नहीं आ रही थी। काफी देर तक मारिया को एहराम में तलाश करने के बाद अंबर बाहर निकल आया। बाहर अब आसमान पर धूप नहीं थी बल्कि स्याह बादल छाए हुए थे और तेज ठंडी हवा चलने लगी थी। अंबर का एहराम के बाहर आकर भी वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। उसे मारिया से बिछड़ जाने का सख्त अफसोस हो रहा था, लेकिन आखिर वो कब तक वहां बैठा रहता। सख्त नाउमीद और उदास दिल के साथ अंबर अकेला ही घोड़े पर सवार हुआ और सहरा में वापस शहर की तरफ चला। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और तेज ठंडी हवा चल रही थी। अंबर अबुल हॉल के मुजस्मे से चंद कदमों के फासले पर रेत के टीलों के दरमियान से गुजर रहा था। उसे तिरतोष की लाश की बारीक चीख सुनाई दी। वह रुक गया। क्या देखता है कि तिरतोष हबशी की लाश एक टीले के पीछे से निकली और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। लाश का जिस्म, जो पहले हाथी से भी बड़ा था, अब आम इंसान के साइज का हो चुका था और उसने अपने कंधे पर लकड़ी की वो सलीब उठा रखी थी जिस पर यहूदी जादूगर ने उसे मेखों से ठोंका था। लाश के चेहरे पर सख्त तकलीफ के आसार थे। वो कराह रही थी और रहम तलब नजरों से अंबर की तरफ देख रही थी। अंबर घोड़े पर से उतर आया। घोड़ा लाश को देखकर बेदक गया था और जोर जोर से हिनहिना रहा था और खौफजदा हो गया था। अंबर लाश से कुछ फासले पर खड़ा हो गया और पूछा, तुम कौन हो? तिरतोष की लाश ने कोई जवाब ना दिया। उसकी गर्दन, सीने, कलाइयों और टखनों पर जहां कील ठोंके गए थे वहां सुराख थे और उनमें से खून के कतरे टपक रहे थे। उसकी आंखें अभी तक सुरख थीं, लेकिन वो अंबर पर हमला नहीं कर रही थी। सलीब के बोझ से वो झुकी हुई सी थी। अंबर ने एक बार फिर पूछा, क्या तुम वही अफरीत हो जिसने शहर में तबाही मचा दी थी? तिरतोष की लाश ने आहिस्ता से सर हिलाया। अंबर ने कहा, तुम कौन हो और अब क्या चाहते हो? लाश के होंठ आहिस्ता से हिले और उसके हलक से बारीक आवाज निकली, मेरे कंधे पर से सलीब उतार दो। अंबर आगे बढ़ा, उसने सलीब को नीचे उतारना चाहा, मगर उसे महसूस हुआ कि वो बेहद भारी है। अंबर बड़े बड़े पत्थरों को एक हाथ से उठाकर फेंक दिया करता था, मगर उसे भी वो सलीब लाश के कंधे से उतारकर नीचे रखने में बड़ी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी। सलीब जमीन पर रखी गई तो लाश ने अपना सर ऊपर उठा लिया और अंबर की तरफ पहली बार मुस्कुरा कर देखा। फिर वह सलीब पर लेट गई और अंबर से कहा, तीन बार अल्लाह अकबर पढ़ो। अंबर ने तीन बार बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर पढ़ा तो लाश ने आंखें बंद कर ली। अंबर की निगाहें सलीब पर सीधी लेटी हुई लाश पर लगी थी। तेज हवा में हल्की हल्की रेत उड़कर लाश के जिस्म पर पड़ रही थी। लाश के जिस्म पर नीली नीली रोशनी सी छा गई, फिर ये रोशनी गायब हो गई। अंबर ने देखा कि लाश के जिस्म के जख्म बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसके चेहरे पर वहशियत और तिरंदगी की जगह नरमी और मोहब्बत आ चुकी थी। उसकी आंखों की सुर्खी भी गायब हो गई थी। लाश की जगह अब नौजवान हबशी तिरतोष स्लीप पर बड़े सुकून के साथ लेटा था। वो उठा, उसने आगे बढ़कर अंबर से हाथ मिलाए। उसके हाथों में लाश की ठंडक की जगह आम इंसान के जिस्म की गर्माइश थी। उसने कहा,
मेरा नाम तिर्तुज है। यहूदी जादूगर ने मुझ पर जादू करने के लिए मुझे सलीब पर लटका दिया था। मैंने उसी जादू के असर में लोगों पर जुल्म किया, लेकिन जब मैंने शाही महल में अजान की आवाज़ सुनी तो मुझ पर क्या हुआ, जादू टूट गया। फिर भी सलीब पर यहूदी के जादू का असर बाकी था, जो तुम्हारे तीन बार अल्लाह अकबर कहने से जाता रहा। अब मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ और तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? अम्बा ने कहा, तुम्हें याद नहीं, तुमने मुझ पर हमला किया था और मुझे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया था। हबशी तिर्तुज बोला, मैंने जादू के असर में जो कुछ किया वो मुझे याद नहीं है। अम्बा ने उसे बताया कि उसका नाम अम्बर है और वो अपनी बहन मारिया के साथ मिस्र में आया था। हबशी नौजवान तिर्तुज ने कहा, तुम्हारी बहन मारिया कहाँ है? अम्बा ने उसे बताया कि किस तरह वो छह कोनों वाला सितारा लेकर अहराम के अंदर कब्र में गई और वहां से गायब हो गई। हबशी तिर्तुज गौर से अम्बर की बातें सुन रहा था, फिर बोला, अम्बर दोस्त, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी पुरिसरार लग रही हैं। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर तुम मुझे हर बात खोलकर बता दो तो हो सकता है मैं मारिया को तलाश करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। अम्बर ने सोचा कि वो तिर्तुज को अपने और मारिया के बारे में असल बातें बताए या ना बताए। फिर उसे मारिया का ख्याल आ गया, हो सकता है ये हबशी नौजवान मारिया को खोज लगाने में उसकी मदद कर सके। चुनाचे उसने तिर्तुज को अपने और मारिया और नाग के बारे में सारी बातें बता दी। तिर्तुज हैरान होकर अम्बर को तकने लगा, इसका मतलब है कि तुम लोगों पर भी किसी यहूदी ने जादू कर रखा है जो तुम मर नहीं सकते, और मारिया किसी को दिखाई नहीं देती, और नाग जिसकी शक्ल चाहे इख्तियार कर लेता है। अम्बर ने कहा, नहीं, हम पर किसी ने जादू नहीं किया हुआ, बस ये हमारी तकदीर में ही लिखा था कि हमारे साथ ऐसा होगा, और हम कई हजार बरसों से इसी तरह सफर कर रहे हैं और अब तो हम अपने वापसी के सफर पर हैं। हमारे साथ एक लड़की केटी भी शामिल हो गई है जिसका ताल्लुक किसी दूसरे सियारे से है। हबशी तिर्तुज हंसने लगा, अम्बर दोस्त, तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि मैं जादू की ताकत से वाकिफ हूँ और खुद एक अफरीत बन चुका हूँ, इसलिए तुम्हारी बातों पर एतबार करता हूँ। अम्बर ने कहा, अब तुम ये बताओ कि मारिया को हम कहाँ तलाश करें? हबशी तिर्तुज ने आगे बढ़कर घोड़े की बाग थाम ली, जो अब खौफजदा नहीं था और दो कदम के फासले पर इत्मीनान से खड़ा था। तिर्तुज ने अम्बर की तरफ देख कर कहा, अम्बर, आज से तुम मेरे जिगरी दोस्त हो। तुमने मुझे फिर से नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भुलाऊंगा। तुम इस घोड़े पर बैठो, हम वापस उस अहराम में चलते हैं जहां मारिया बहन गुम हो गई थी। अम्बर घोड़े पर बैठ गया। तिर्तुज हबशी ने घोड़े की बाग थाम ली और वो अहराम की तरफ चले। अब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अहराम के बाहर घोड़े को खड़ा करने के बाद दोनों अंदर चले गए। अम्बर ने मलका नफरीती की ताबूत वाले चबूतरे के पास आकर तिर्तुज को वह सुराख दिखाया, जो अब काफी चौड़ा हो गया था क्योंकि अम्बर ने उसके पत्थरों को उखाड़ डाला था। हबशी तिर्तुज ने झुककर सुराख के अंदर वाली कब्र को देखा। वो उसके अंदर उतर गया, मगर वहां उसे कुछ दिखाई ना दिया। बाहर आकर उसने अम्बर से कहा, मेरे दोस्त, जिस यहूदी जादूगर जेकब ने मुसलमानों से अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए मुझे इंसान से खूनी लाश बना दिया था, ये मुझे उसी की कारिस्तानी मालूम होती है। वो बड़ा खतरनाक जादूगर है। अम्बर ने तिर्तुज को बताया कि यहूदी जादूगर और उसके साथी को उसने हलाक कर दिया था, जिस पर तिर्तुज बोला, ये तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई अम्बर दोस्त कि मैं उन दोनों को हलाक कर चुका हूँ, मगर तुम यहूदी जादूगर से वाकिफ नहीं हो। वो एक बहुत बड़े शैतानी टोले का सरदार था। ये शैतानी टोला मुसलमानों का नामो निशान मिटाने का नापाक इरादा रखता है। यहूदी जादूगर जेकब अगरचे मर चुका है, मगर उसका मौकिल जिंदा होगा और मारिया को उसने ही गायब किया होगा। अम्बर अजीब उलझन में फंस गया था। उसने कहा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें मारिया का कोई सुराग मिल सके? हबशी तिर्तुज ने कहा, मेरा गांव यहाँ से चार दिन और चार रात के फासले पर हबशा की पहाड़ियों में है। वहाँ एक गार में तिलिस्मी चट्टान है। मैंने उस तिलिस्मी चट्टान पर चिल्ला किया था। उस चट्टान पर 21 रोज चिल्ला काटने के बाद अगर मैं उस पर हाथ रखकर सवाल करूँ तो चट्टान के अंदर से जवाब मिल जाएगा। अम्बर ने कहा, क्या चट्टान की आवाज़ सच्ची होगी? तिर्तुज बोला, उसने कभी झूठ नहीं बोला। उसी आवाज ने एक बार मुझे खबरदार किया था कि मैं जादू टूने से बाज आ जाऊं, क्योंकि ये बातें हराम हैं और एक दिन मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊंगा। मैंने उसकी आवाज पर अमल न किया और मैं अजाब में फंस गया। अम्बर ने कहा, तो फिर चलो तुम्हारे गांव की तरफ चलते हैं, शायद चट्टान की आवाज हमें मारिया के बारे में कुछ बता दे। तिर्तुज कहने लगा, मैं खुद अपने गाँव जाना चाहता हूँ, वहां मेरी बूढ़ी माँ मेरी राह देख रही होगी। मैं उसे ये कहकर आया था कि मैं मुल्क मिस्र में दौलत कमाने जा रहा हूँ। अम्बर ने कहा, अब अगर तुम खाली हाथ गए तो तुम्हारी माँ को अफसोस नहीं होगा? तिर्तुज बोला, वह मुझे देखकर खुश हो जाएगी। माओं को खजानों से बढ़कर अपने बच्चों से प्यार होता है। अम्बर बोला, हाँ ये तो तुम ठीक कहती हो। वो रात उन्होंने एक सराय में बसर की और दूसरे रोज घोड़ों पर सवार होकर कुछ खाने का सामान और पानी साथ लेकर मुल्क हबशा की तरफ रवाना हो गई। मारिया को तेज आंधी के झक्कड़ ने उठाकर दीवार पर नजर आती इंसानी डेले के अंदर फेंक दिया।
उस टेले में एक इंसानी जिस्म खड़ा अपने सीने को दोनों हाथों से नोचते हुए हलक से कराह की आवाज निकाल रहा था। मारिया जो ही आंख के अंदर गिरी उसे यूं लगा जैसे वो किसी पहाड़ी ढलान पर से फिसलती हुई नीचे की तरफ जा रही है। ना तो उसे कुछ दिखाई दे रहा था और ना उसके हाथ पांव हिल रहे थे कि वो किसी झाड़ी को पकड़कर रुक जाती। वो फिसलती चली गई और फिर ऐसे लगा जैसे एक गहरे अंधेरे कुएं में पड़ी हो। मारिया ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, चारों तरफ गहरी तारीकी थी। उसके पांव में ताकत वापस आ गई थी, उसने हाथों से टटोला। सामने एक दीवार थी, वो दीवार के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी कि शायद दीवार में से गुजरकर बाहर किसी तरफ निकल जाए, मगर दीवार ने मारिया को रास्ता ना दिया। ये मारिया की एक ताकत की शिकस्त थी जिस ताकत की मदद से वो पत्थरों और लोहे की दीवारों के अंदर से भी निकल जाती थी। मारिया दीवार को टटोलती हुई आगे बढ़ने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी बहुत बड़े पाइप में से गुजर रही है। वहां कोई आवाज नहीं थी। काफी आगे जाने के बाद मारिया को दूर रोशनी का छोटा सा दायरा दिखाई दिया। वो उस दायरे की तरफ बढ़ती गई, रोशनी बढ़ती गई। करीब जाकर उसने देखा कि दीवार पर उसी तरह की एक बहुत बड़ी आंख बनी हुई थी जिसने उसे अहराम के चबूतरे के अंदर निकल लिया था। उस आंख के डेले में भी एक गहरा गोल सुराख बना हुआ था। ये रोशनी उस सुराख में से आ रही थी। मारिया ने गौर से देखा, आंख के डेले के किनारे पर एक इंसानी चेहरा नमूदार हुआ। ये एक औरत का चेहरा था जिसके बाल खुले थे और चेहरे पर वहशत बरस रही थी। उस औरत ने अपना बाजू ऊपर उठाकर मारिया को वापस चले जाने का इशारा किया और चेहरा नीचे करके आंख के डेले में गायब हो गई। साफ जाहिर था कि उस पुरिसरार औरत ने मारिया को देख लिया था और उसके लिए वो गायब नहीं थी। मारिया परेशान से होकर वापस जाने लगी तो उसके पीछे खड़ी हो गई। उसने हाथ लगाकर देखा, ये दीवार लोहे की तरह सख्त थी और वह उसमें से गुजर नहीं सकती थी। मारिया ने एक बार फिर दीवार वाली आंख के डेले के सुराख की तरफ देखा। अब वहां रोशनी गायब हो गई थी और अंधेरा छा गया था। इतने में डेले के अंदर ऐसी रोशनी उभरी जैसे किसी ने मोमबत्ती रोशन की हो। थोड़ी देर मोमबत्ती की रोशनी डेले के गोल सुराख के अंदर दाएं बाएं लहराई और गायब हो गई। मारिया के पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि वह उस आंख के डेले के सुराख में झांक कर देखे कि दूसरी तरफ क्या है। वो आंख के बिल्कुल पास आ गई। ये आंख बहुत बड़ी थी और पूरी दीवार पर फैली हुई थी। अगरचे वहां घुप अंधेरा छाया हुआ था मगर आंख साफ दिखाई दे रही थी। मारिया जमीन से ऊपर उठी। अभी उसमें ऊपर उठने और हवा में तैरने की ताकत बाकी थी। वो आंख के डेले के सुराख के किनारे पर आकर रुक गई। उसने दूसरी तरफ झांककर देखा तो उसे वहां नीचे पत्थर की सीढ़ी जाती नजर आई। मारिया को सीढ़ी पर पांव रखकर उतरने की हाजत नहीं थी, वो उड़कर भी नीचे जा सकती थी। जो ही उसने उड़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की वो एकदम से नीचे गिर पड़ी जैसे किसी ने उसके पर नोच लिए हों और वह सीढ़ियों पर गिर पड़ी और फिसलती हुई नीचे आ गई। अब उसके उड़ने की ताकत भी खत्म हो गई थी। मारिया को अपना जिस्म दिखाई देने लगा। वो आम औरत में तब्दील हो चुकी थी। उसने सोचा कि यहाँ से वापस निकल जाना चाहिए। वो जल्दी से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी कि डेले वाले सुराख में से दूसरी तरफ छलांग लगा दे, मगर उसके ऊपर चढ़ते ही डेले का सुराख पत्थर की भारी भरकम सिल से बंद हो गया। मारिया उस आंख के अंदर कैद होकर रह गई थी। उसे अंधेरे में अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे इसी जगह रहकर वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश करना था ताकि उसकी खोई ताकत उसे दोबारा मिल जाए। उस वक्त मारिया एक आम औरत के रूप में थी। वो उड़ भी नहीं सकती थी और वो गायब भी नहीं थी। मारिया दीवार को पकड़कर आगे बढ़ने लगी तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसे यूं तकलीफ का एहसास हुआ जैसे किसी ने उसकी आंख में कोई चीज चबोती हो। वो बड़ी हैरान हुई कि उसकी आंखें तो माथे पर हैं और हाथ दीवार के पत्थर पर लगा था, फिर उसकी आंख में तकलीफ कैसे हुई। मारिया ने हाथ दूसरी बार पत्थर पर रखा तो एक बार फिर उसकी आंख में चुभन हुई। मारिया ने अपना हाथ आंखों पर रखा तो उसका जिस्म कांप उठा। उसके माथे पर एक आंख भी नहीं थी। उसका माथा नाक तक स्पाट था और वहां की दोनों आंखें गायब थीं। उसने अपनी हथेली को टटोला तो उसकी चीख निकल गई। मारिया की दोनों आंखें उसकी दोनों हथेली पर आकर लग चुकी थीं। एक आंख एक हथेली पर लगी थी और दूसरी आंख दूसरी हथेली पर लगी थी। जब उसने दीवार पर हाथ रखा था कि दीवार का पत्थर उसकी हथेली पर लगी हुई आंख में चुभ गया था और उसे तकलीफ हुई थी। मारिया खौफजदा होकर वहीं बैठ गई। अब वो अपनी हथेली की आंखों से देख रही थी। देखने के लिए अब उसे अपनी दोनों हथेलियां उठाकर सांप के फन की तरह आगे करनी पड़ती थी। मारिया पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं पड़ी थी। बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी उसकी आंखें कभी गायब नहीं हुई थी। वो हमेशा उसके चेहरे पर ही लगी रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें उसके चेहरे की बजाय उसकी हथेलियों में आकर लग गई थी और वह चेहरा उठाकर देखने की बजाय हाथ उठाकर देखती थी। मारिया का सर चकरा गया था। उसने एक बार फिर अपना हाथ ऊपर उठाकर अपने चेहरे को हथेली की आंख से देखा। उसका चेहरा साफ था, वहां सिर्फ उसकी नाक और होंठ ही बाकी रह गए थे। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी नाक और होंठ अपनी जगह से गायब नहीं हुए थे।
उसे अपनी किस्मत पर सख्त गुस्सा आ गया, मगर वो किसी जबरदस्त त्रिसमय में गिरफ्तार होकर किसी अजीबोगरीब दुनिया में पहुंच गई थी और कुछ न कर सकती थी। सीढ़ियों के ऊपर दीवार वाली आंख के डेले का सुराख पत्थर की सिल से बंद था और उसके सामने एक तंग रास्ते पर गहरी तारीकी छाई हुई थी। मारिया ने दोनों हाथों की हथेलियां उठाकर उन्हें लहराकर आगे की तरफ देखा। उसे गहरे अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी नजर आई जो कुछ फासले पर चमक कर लहरा कर गायब हो गई। मारिया उठी और जिधर से रोशनी चमक कर बुझ गई थी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। एक तंग से रास्ते से गुजरकर वो आगे गई तो देखा कि दूर पत्थरों में एक मोमबत्ती जल रही है। मारिया को साफ लग रहा था कि वो किसी पहाड़ के नीचे आ गई है। पथरीली छत उसके सर से एक फुट ही ऊंची थी। वो मोमबत्ती की रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। वहां इस कदर गहरी खामोशी छाई हुई थी कि लगता था कि वो किसी बहुत बड़ी कब्र के नीचे पहुंच गई है। जहां मोमबत्ती जल रही थी वहां एक पत्थर का तंग रास्ता नीचे जा रहा था। मारिया ने देखा कि मोमबत्ती एक पत्थर की आंख के ऊपर लगी हुई थी। मारिया वहां आकर रुक गई। खामोशी, कब्रिस्तान जैसी गहरी खामोशी। मारिया नीचे उतर गई। तीन सीढ़ियों के बाद एक बहुत चौड़ा दालान आ गया जिसमें भद्दे पत्थरों से बने हुए सतून खड़े थे। उन सतूनों के पीछे से दो इंसानी जिस्म जिनके चेहरों पर सिवाय एकांक के और कुछ नहीं था आगे बढ़े और उन्होंने मारिया को बाजू से पकड़ लिया। मारिया ने अपनी हथेली ऊपर करके उन्हें देखा और कहा, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम कौन हो? एक आंख वाले आदमियों ने कोई जवाब ना दिया। वो बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके मुंह नहीं थे। उन्होंने अपने सबज रंग के चमकीले कपड़ों की जेब में से एक एक लोहे की जंजीर निकाली और मारिया के गले में डालकर उसका सिरा पकड़ लिया और उसे खींचते हुए एक तरफ ले चले। मारिया ने बहुत जोर लगाकर उनके कब्जे से निकलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। वो तो बिल्कुल ही एक कमजोर सी लड़की बनकर रह गई थी। ये दोनों आदमी मारिया को लेकर किसी एक ऊंची छत वाले कमरे में ले आए जहाँ एक ऊंची संगमरमर की कुर्सी रखी थी। मारिया को उस कुर्सी के आगे खड़ा कर दिया गया और वह दोनों आदमी दो कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। फिर छत के साथ लगी नीले रंग की बत्ती जलने बुझने लगी। ऐसा महसूस होता था कि उस छत के अंदर सुराख में कोई छोटा सा फानूस रोशन है जो घूम रहा है और कभी किसी शेड के आगे आ जाता है और कभी आगे निकल जाता है। पत्थरों की दीवार में से एक गोल दरवाजा खुला और अंदर से जो चीज बाहर निकली उसे देखकर मारिया के जिस्म के बाल भी खड़े हो गए। मारिया ने हथेली जरा सी ऊपर उठा रखी थी जैसे वो उसे देख सके, लेकिन उस अफरीत नुमा इंसान को देखते ही मारिया ने अपनी हथेली बंद कर ली और उसकी आंख बंद हो गई, लेकिन दूसरी आंख से वो कनकियों से उस अफरीत नुमा इंसान का जायजा ले रही थी। ये दो लंबे लंबे बालों भरे बाजुओं और दो टांगों वाले अफरीत नुमा इंसान के गोल सर पर 10-12 आंखें लगी हुई थी। उसकी जुबान बाहर को निकली हुई थी जिसको वो बार बार अंदर को खींच लेता था। वो आते ही कुर्सी पर बैठ गया और अपनी लंबी जुबान निकालकर अपनी गर्दन और अपने कांधों पर फेरने लगा। जब उसकी जुबान उसके जिस्म से टकराती तो ऐसी आवाज आती जैसे लकड़ी पर कोई रेती रगड़ रहा हो। उसने मारिया की तरफ देखकर अपनी जुबान में कहा, इस लड़की को ले जाकर दूसरी लड़कियों के साथ कैद कर दो। दोनों आदमियों ने झुककर कहा, अजीम खौलाफ, इन सब हथेली की आंख वाली मुसलमान लड़कियों को हम कब यहूदी बादशाहों का बदला लेने शहर रवाना करेंगे? अफरीत नुमा इंसान ने अपनी जुबान और अपनी आवाज में कहा, हमारा पहला जादुई हमला नाकाम हो गया है, हम दूसरा बड़ा हमला सोच समझ कर करेंगे, बड़ी जल्दी करेंगे, इसको ले जाओ। वो अपनी जुबान में बात कर रहे थे और उनका ख्याल था कि मारिया उनकी जुबान नहीं समझती थी, मगर उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और समझ भी ली थी। मारिया को ये पता नहीं चल सका था कि वो बोलते कहाँ से थे क्योंकि उनका कोई मुंह नहीं था, उनके जिस्म के अंदर से आवाज आती थी। अफरीत नुमा इंसान के सर की 12 आंखें सुरक्षाएं छोड़ रही थी। एक आंख वाले आदमी मारिया को लेकर उसी दालान के आखिर में आ गए और एक कोठरी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर धक्का दे दिया। मारिया ने कोठरी में आते ही हथेली खोलकर देखा। नीचे छत वाली कोठरी में तीन लड़कियां पहले से वहां बैठी थीं। उन सबके चेहरों की आंखें गायब थीं और वो अपने बाल खोले सर झुकाए फर्श पर दीवार के साथ लगी बैठी थीं और उनकी हथेलियां फर्श पर औंधी टिकी हुई थीं। मारिया ने इशारों से उन्हें पूछा, क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी यहाँ है? उन लड़कियों में से एक के जिस्म से आवाज आई, नहीं, यहाँ सिर्फ हम ही तीन लड़कियां हैं, अब तुम आई हो तो हम चार हो गई हैं। मारिया ने कहा, तुम कदीम अरबी जुबान बोलती हो? लड़की बोली, हाँ बहन, हम कदीम अरबी जुबान जानती हैं। मारिया ने अपनी हथेलियां ऊपर उठा ली। उन लड़कियों ने भी अपनी अपनी हथेली ऊपर उठाकर मारिया की तरफ उनका मुंह कर लिया। वो मारिया को गौर से देखना चाहती थीं। मारिया ने आहिस्ता से उन्हीं की जुबान में कहा, क्या तुम मुसलमान हो? हाँ, उन तीनों ने एक साथ जवाब दिया। मारिया कहने लगी, क्या तुम जानती हो कि जिस अफरीत नुमा बला ने हमारे चेहरों पर से आंखें हटाकर हमारी हथेलियों में लगा दिया है वो मुसलमानों की पूरी नस्ल को खत्म कर देना चाहता है? हाँ, हमें मालूम है, वो हमारे भाई बहनों के दीन को खत्म करने के लिए हमें ही इस्तेमाल करना चाहता है।
ताकि किसी पर शक ना हो। हाँ, मारिया ने कहा, क्या तुम लड़कियों की भी पहले मेरी तरह चेहरे पर आंखें थी? एक लड़की ने कहा, हाँ हम इंसान थी, खूबसूरत आंखों वाली लड़कियाँ, कि एक आदमी हमें हीरे जवाहरात दिलाने के बहाने अहराम में ले गया और फिर एक आंख ने हमें अपनी तरफ खींच लिया और हम यहाँ पहुँच गईं और हमारी आंखें चेहरों से गायब होकर हमारी हथेलियों पर आकर लग गईं और उन लड़कियों के रोने की आवाज़ आने लगी। मारिया ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अगर हम इसी तरह रोती रहीं तो ये 12 आंखों वाला अफरीद अपनी खतरनाक चाल में कामयाब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि हम पर सिर्फ एक तलिसम करना बाकी रह गया है, उसके बाद हमें अपना कुछ होश नहीं रहेगा और हम बाहर निकलकर मुसलमान औरतों और बच्चों को हलाक करना शुरू कर देंगी। इसलिए हमें इससे पहले इन लोगों को तबाह करके यहाँ से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। एक लड़की जो उन सब में बड़ी थी बोली, यहाँ से फरार का कोई रास्ता नहीं है, हम पूरी तरह इन लोगों के काबू में आ चुकी हैं। मारिया ने कहा, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, हमें अपनी ज़िंदगी की खातिर और मिस्र के हज़ारों मुसलमानों की जिंदगियां बचाने की खातिर यहाँ से फरार होना होगा और फरार होने से पहले उस 12 आंखों वाली बला को कत्ल करना होगा। तीनों लड़कियां अपनी हथेलियां ऊपर उठाकर फटी फटी आंखों से मारिया को तकने लगीं। ये बताओ, क्या तुम में से कोई लड़की ऐसी है जिसको 12 आंखों वाले अफरीद के पास जाने का इत्तेफाक हुआ हो? बड़ी लड़की ने कहा, मुझे एक बार उस अफरीद ने अपने कमरे में बुलाया था और मेरे सर पर एक तांबे का सितारा रखकर उसने मंत्र पढ़े थे, मगर मैं उनकी ज़ुबान नहीं जानती, ये लोग अजीबोगरीब ज़ुबान में बातें करते हैं। मारिया ने कहा, इत्तफाक की बात है कि उनकी ज़ुबान मैं समझ लेती हूँ, मैंने 12 आंखों वाले अफरीद के साथ उन आदमियों को बातें करते सुना है, ये लोग हमें मुसलमानों के कत्लेआम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हमें बड़ी जल्दी कोई तरकीब तलाश करना होगी। बड़ी लड़की ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकती, हम तुम्हारी मदद करेंगी और जैसे तुम कहोगी वैसे ही करेंगी। जब मारिया उन तीनों लड़कियों की तरफ से नाउम्मीद हो गई तो उसने खुद सोचना शुरू कर दिया कि वो उस 12 आंखों वाले अफरीद को किस तरह हलाक कर सकती है। वो जितना सोचती उतना ही उलझती जाती थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल करे। उन लड़कियों को और खाना पानी देने के लिए एक आंख वाला आदमी आता था, एक बार उसके साथ दूसरा आदमी भी आया, वो अपनी ज़ुबान में बातें कर रहे थे। उन्हें चूंकि यकीन था कि ये लड़कियाँ उनकी ज़ुबान नहीं समझ सकती, इसलिए वो बड़ी आज़ादी से बातें कर रहा था। सरदार खौलाफ ना जाने क्यों देर कर रहा है, दूसरा बोला, वो आखिरी तलिसम के लिए किसी अंधेरी और तूफानी रात का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आखिरी तलिसम बादलों और आंधी वाली तूफानी रात में ही हो सकता है। पहला कहने लगा, कल मैंने सरदार खौलाफ की दरमियानी नीली आंख में से पानी निकलते देखा था, तुम जानते हो कि यही वो आंख है जिसमें सरदार की और हम सबकी जान है, उसकी आंख में से नीले पानी का निकलना अच्छा शगुन नहीं है। दूसरा बोला, हम सरदार खौलाफ को कुछ नहीं कह सकते, उसके खास आदमी और अजीम जादूगर जेकब के शागिर्द ही उसे कुछ समझा सकते हैं। पहला कहने लगा, हम उनसे बात करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इन लड़कियों को खूनी चुड़ैलें बनाकर शहर के मुसलमानों को कत्ल करने के लिए छोड़ दिया जाए। वो कोठरी में खाना पानी रखकर चले गए। मारिया ने उनकी सारी बातें भी सुन ली और समझ भी ली थी। जब वो चले गए तो तीनों लड़कियों ने मारिया से पूछा कि वो क्या बातें कर रहे थे। मारिया ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि वो आखिरी तलिसम की बातें कर रहे थे जो किसी तूफानी रात में उन पर किया जाएगा, लेकिन दिल में मारिया खुश थी कि उसे 12 आंख वाले अफरीद की जिंदगी का राज मालूम हो गया। उसकी और यहाँ के सब एक एक आंख वाले इंसान या अफरीदों की जान उसके सर की 12 आंखों में से दरमियान वाली नीली आंख में है। अगर किसी तरह उस नीली आंख को तबाह कर दिया जाए तो ये सारा तिलिस्म खत्म हो सकता है और मिस्र के मुसलमानों पर नाजिल होने वाली मौत की दूसरी हलाकत खेजी को रोका जा सकता है। सवाल ये था कि उस नीली आंख को किस तरह निकाला जाए, यही एक सवाल था जो मारिया को बार बार परेशान कर रहा था और इसका मारिया के पास कोई जवाब नहीं था। जिस कोठरी में मारिया अपनी तीन कैदी साथी लड़कियों के साथ बंद थी उसके दरवाजे पर लंबी लंबी सलाखें लगी थीं। उसके बाहर ताला लगा था जो सामने से दिखाई नहीं देता था। ये ताला दीवार के पीछे एक तरफ जाकर लगाया गया था। एक रात जबकि उसकी तीनों साथी लड़कियाँ सो रही थीं, मारिया ने सोचा कि अगर वो किसी तरह ताला खोलकर बाहर निकल जाए तो 12 आंखों वाले अफरीद के कमरे में जाकर उस पर हमला करने की कोशिश कर सकती है, अगरचे इसमें उसे अपनी जान का खतरा भी नजर आ रहा था क्योंकि वो अब एक आम लड़की थी और हो सकता है कि वो मर भी जाए, लेकिन मारिया एक कोशिश जरूर करना चाहती थी। वो सलाखों वाले बंद कमरे के पास जाकर बैठ गई। ताला देखने के लिए उसने अपना हाथ सलाखों में से बाहर निकाला और हथेली दीवार की दूसरी तरफ घुमा दी ताकि उस हथेली में जो आंख लगी हुई है उसकी मदद से ताले को देख सके। जो ही मारिया ने अपनी हथेली को घुमाकर दीवार की तरफ की, एक काला बिच्छू एक सुराख में से निकल कर आया और उसने मारिया की हथेली पर डस दिया। मारिया दर्द से तड़प उठी।
दर्द इतनी शदीद थी कि वो बेहोश हो गई। मिस्र के अहरामों में पाए जाने वाले उस काले बिच्छू का जहर इंसान को हलाक भी कर देता था। उस जहर की तासीर से इंसान के खून के जर्रे उलट पुलट हो जाते थे, लेकिन ये बिच्छू मारिया के हक में बड़ा नेक शगुन साबित हुआ। बिच्छू के जहर ने मारिया के जिस्म के खून में शामिल होकर उसके सफ़ेद और सुरख जर्रों में तूफान बर्पा कर दिया और वो एक एक करके गायब होना शुरू हो गई। जब मारिया को होश आया तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसका जिस्म गायब हो चुका था। उसने अपनी हथेली देखी, उसकी किसी भी हथेली पर आँख नहीं थी। उसने जल्दी से अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा, उसकी दोनों आँखें उसके माथे पर वापस आ चुकी थीं। वह फिर से गैबी मारिया बन गई थी। मारिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बिच्छू का जहर उसके हक में बड़ी नेमत साबित हुआ था, लेकिन उसे एक खतरा अब भी था कि कहीं वो बारह आंखों वाले अफरीद के सामने जाते ही फिर से वही अनोखी लड़की ना बन जाए कि जिसकी आंखें उसकी हथेलियों में थीं। कुछ भी हो, मारिया को अब इस मौके से फ़ायदा उठाना होगा। मारिया ने अपनी साथी लड़कियों को भी जगाने की ज़रूरत महसूस ना की और कोठरी की सलाखों में से गुजर गई। उसे खुशी हुई कि वह बगैर किसी मेहनत के लोहे की सलाखों में से गुजर गई थी, यानी इसका मतलब था कि उसकी सारी ताकत उसे वापस मिल गई थी। मारिया भद्दे पथरीले सतूनों वाले दालान में चलती चलती उस कमरे में आ गई जहां पहली बार उसे बारह आंखों वाली बला के सामने लाया गया था, और वह दीवार में से निकलकर कुर्सी पर आकर बैठ गया था। ये कमरा खाली था। बारह आंखों वाली अफरीद की कुर्सी उसी तरह पड़ी थी। एक आंख वाला आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक तश्त था जिसमें चिराग में डालने वाला तेल था। उसने ताक में रखे सोने के चिराग में तेल डाला और बाहर निकल गया। मारिया उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी, मगर उसको मारिया नजर नहीं आ रही थी। जब वो चला गया तो मारिया उस दीवार में से गुजर गई जिसमें से निकलकर वो बारह आंख वाला अफरीद नुमा इंसान आया था। मारिया अब बड़ी आसानी के साथ पत्थर की मजबूत दीवार में से गुजर गई थी। दूसरी तरफ एक लंबा सा बरामदा था जिसकी छत पर पत्थर की कितनी ही बड़ी बड़ी आंखें लगी थी, और वो आंखें बार बार अपनी पलकें झपक रही थी। मारिया को एक बार फिर खतरा महसूस हुआ कि कहीं आंखें उसे देख तो नहीं रही। वो उन आंखों के बिल्कुल नीचे जाकर खड़ी हो गई। किसी आंख में कोई खास बात पैदा न हुई, वो वैसी की वैसी ही रही। मारिया बरामदे के आखिरी किनारे पर आ गई। यहाँ एक गोल आंख बनी थी जिसमें दरवाजा था, और उस दरवाजे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। मारिया उड़कर जाने की बजाय सीढ़ियों पर चढ़कर आंख का दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ गई। क्या देखती है कि यहाँ एक दरबार सा लगा है। बारह आंख वाला अफरीद नुमा इंसान एक शानदार ऊंचे तख्त पर बैठा है। उसके हाथ में तांबे का छह कोनों वाला सितारा है और दूसरे हाथ में चांदी की सलीब है। उसकी दोनों जानिब एक आंख वाली मखलूक की तार बांधे पत्थरों के स्टूलों पर बैठी है। दरमियान में एक बहुत बड़ी अंगीठी रखी है जिसमें आग जल रही है। एक आदमी अंगीठी के पास खड़ा है और उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद तेल की किस्म की कोई शय उंडेल देता था जिससे आग के शोले और ज्यादा तेज हो जाते थे। मारिया पीछे से आहिस्ता आहिस्ता चलकर बारह आंखों वाले खौलाफ के करीब आ गई। उसके सर की बारह आंखें खुली थी और उनके डेले गर्दिश करते हुए चारों तरफ देख रहे थे। उनके दरमियान में वो नीली आंख थी जिसमें खौलाफ की जान थी। उसी आंख को मारिया ने कुचलना था। मारिया को एक बात का खतरा लगा था कि कहीं खौलाफ की आंखें उसे देख ना लें, और दूसरा ये भी डर था कि कहीं अचानक उसकी ताकत खत्म ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया और वो जाहिर हो गई तो ये खूंखार मखलूक उसे हरगिज जिंदा ना छोड़ेगी। मारिया ने देखा कि आग की बड़ी अंगीठी में लोहे की दो सलाखें भी रखी थी जो अब सुरख हो गई थीं। खौलाफ के जिस्म से गूंजदार आवाज निकली, जाओ उन चारों मुसलमान लड़कियों को पकड़कर यहाँ लाओ। उनकी आंखों में ये गर्म सलाखें ठूंस कर उन पर आखिरी तलिस्म किया जाएगा। मारिया कांप उठी तो ये सलाखें उसके लिए और उन बेचारी मुसलमान लड़कियों के लिए आग में सुरख की जा रही थीं। अब वो ज्यादा देर नहीं कर सकती थी। उसे जो कुछ करना था अभी करना था। दो आदमी जल्दी से कैद खाने की तरफ भागे ताकि कैदी लड़कियों को पकड़कर लाया जाए। मारिया सोचने लगी कि वो किस तरीके से बारह आंख वाले इस अफरीद की नीली आंख को कुचले। उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। आसपास भी कोई ऐसी शय या हथियार नहीं था। इतने में दोनों आदमी कैदी मुसलमान लड़कियों को पकड़ कर ले आए और उन्होंने घबराकर कहा कि चौथी लड़की गायब हो चुकी है, यानी मारिया वहां नहीं है। सरदार खौलाफ कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। वह भाग कर कहीं नहीं जा सकती, उसे तलाश करके यहाँ लाओ, और जब तक इन तीनों मुसलमान लड़कियों की आंखें इन दहकती हुई सलाखों से फोड़ डालो। कैदी मुसलमान लड़कियां रोने लगीं और रहम के लिए आवाजें बुलंद करने लगीं, मगर चार आदमियों ने उन्हें पकड़कर जमीन पर लिटा दिया और उनकी हथेलियों को पकड़ लिया ताकि उनमें लगी हुई आंखों में आग से दहकती हुई सलाखें पिरो दी जाएं। मारिया अब वहां खड़ी खड़ी तमाशा नहीं देख सकती थी। वह छलांग लगाकर अपनी जगह से उछली और आग वाली अंगीठी के पास पहुंच गई। उसने लपक कर आग में दहकती हुई गर्म सुरख सलाख बाहर निकाल ली। सलाख उसके हाथ में आते ही गायब हो गई। हैरत से सब लोगों के मुंह खुल गए।
बारह आंख वाला अफरीत खौलाफ भी अपनी बारह आंखें घुमा घुमा कर तकने लगा। ये एक सलाह कहाँ गायब हो गई? जरूर यहाँ कोई गैबी शह मौजूद है। सब मखलूक गैबी मखलूक को तलाश करने लगी, मगर मारिया उनके परदादा और उस्ताद भी तलाश नहीं कर सकती थी। इतनी देर में मारिया दहकती हुई सलाख लेकर खौलाफ अफरीत के सर पर पहुंच गई। खौलाफ को अपने सर के करीब आग की गर्मी महसूस हुई तो वो उछलकर परे हट गया। दूसरी तरफ मुसलमान लड़कियों की आंखों में गर्म सलाख फिरने ही वाली थी। सरदार खौलाफ ने बुलंद आवाज में कहा, आखिरी तलिसम शुरू कर दो। मारिया तेजी से उन दो आदमियों की तरफ लपकी जिन्होंने तीनों मुसलमान लड़कियों को जमीन पर बकरों की तरह दबोच रखा था और आंखें फोड़ने ही वाले थे। मारिया ने जाते ही उस आदमी की गर्दन पर पूरी ताकत से लात मारी। जिसके हाथ में दहकती हुई सलाख थी उस मखलूक के मुंह से एक चीख निकली, उसकी गर्दन टूट गई और वह मुंह के बल आग की अंगीठी के ऊपर गिर पड़ा। वहां हड़बोंग मच गई। खौलाफ गुस्से से कांपने लगा, ऐ देवता जेकब गिरो, हमारी मदद कर, किसी गैबी दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है। वह उठकर सतून के पास आ गया। उसकी बारह आंखें तेजी से गर्दिश कर रही थी। मारिया पीछे से सतून के ऊपर उड़ती हुई आ गई। उसने खौलाफ अफरीद की नीली आंख को घूर कर देखा। नीली आंख ने भी शायद गैबी मारिया को देख लिया था। उसकी पलकें जल्दी जल्दी उठने और बंद होने लगी। अगर नीली आंख चीख सकती तो वह चीख कर खौलाफ को खबरदार कर देती कि उसकी जिंदगी पर मौत का हमला होने ही वाला है, मगर नीली आंख बोल नहीं सकती थी। मारिया ने नीली आंख का निशाना बनाया और दहकती हुई गर्म सलाख उसमें पूरी ताकत से घुसेड़ दी। दो भयानक आवाजें बुलंद हुई। पहली आवाज लोहे की गर्म सलाख के नीली आंख में घुसने की शू की आवाज थी और दूसरी आवाज बारह आंख वाले अफरीत खौलाफ की अलमनाक चीख थी। इस चीख की आवाज ने वहां जितने एक आंख वाले लोग खड़े थे बेहोश कर दिए। गर्म सलाख खौलाफ अफरीत की नीली आंख में घुसी हुई थी और वह जमीन पर एक टांग उठाए शदीद दर्द के मारे तड़प रहा था। वह गर्म सलाख पर हाथ रखता कि उसे बाहर निकाले तो उसका हाथ जल जाता। फिर वह धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर गिरा। मारिया ने देखा कि खौलाफ अफरीत की नीली आंख से उबलता हुआ सफेद खून निकल रहा था और उसकी बाकी 11 आंखें बंद होने लगी थीं। तीनों कैदी मुसलमान लड़कियां उठकर वहां से भाग गई थीं। खौलाफ के बाकी आदमी बेहोश पड़े थे। खौलाफ अफरीत आखिरी सांस ले रहा था और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी बनता जा रहा था। फिर वो मिट्टी बन गया और फर्श पर सिर्फ उसकी हड्डियां ही बाकी रह गईं। मारिया ने पलट कर देखा तो उसके साथियों का भी यही हशर हुआ था। उनके गोश्त भी मिट्टी बन चुके थे और सिर्फ हड्डियों के पिंजर फर्श पर पड़े थे। मारिया तीन मुसलमान लड़कियों की तलाश में कैद खाने की तरफ भागी, मगर कैद खाना खाली पड़ा था। मारिया तेज तेज उड़ती नीची छत वाले लंबे दालान में से निकलकर पत्थर की तीन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई। सीढ़ियों के ऊपर खोपड़ी वाली मोमबत्ती बुझ चुकी थी। मारिया मुसलमान लड़कियों को ढूंढती हुई एक कोठरी के करीब से गुजरी तो उसे अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। मारिया बंद कोठरी के अंदर गई तो देखा कि मोमबत्ती की रोशनी में एक लंबे बालों वाली लड़की फर्श पर रस्सियों में जकड़ी पड़ी है। मारिया ने उसे फौरन पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसने उसे तय खाने में आने से पहले उसे हाथ से वापस जाने का इशारा किया था। उस लड़की को बिल्कुल खबर ना थी कि मारिया उसके पास बैठी है। अब मारिया ने लड़की को गौर से देखा तो ये वही लड़की थी जिसकी शक्ल उसी नफरीती के अहराम में जमीन के अंदर दीवार में बनी हुई बड़ी आंख के डेले में भी दिखाई दी थी और जिसको मारिया कोई मर्द समझी थी। ये लड़की अपने सीने को तकलीफ से बार बार दबा रही थी और उसके मुंह से कराह की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मारिया ने उसकी रस्सियां खोल दी तो लड़की ने चौंक कर देखा। उसे रस्सियां खोलने वाले की शक्ल दिखाई ना दी। वो बोली, कौन हो तुम? मारिया ने कहा, एक आसमानी रूह हूँ जो तुम्हारी मदद को आई हूँ। लड़की पहले ही बहुत डर और खौफ देख चुकी थी, अब वो क्या डरती। नीली आसमानी रूह का सुनकर उसे यकीन आ गया। कहने लगी, खुदा का शुक्र है कि उसने मेरी फरियाद सुन ली और मेरी मदद के लिए आसमानी रूह को भेजा। मारिया ने उसे उठाकर बिठा दिया और कहा, यहाँ तीन मुसलमान लड़कियां और भी हैं, मैं उन्हें ढूंढकर अभी लाती हूँ। लड़की ने कहा, खुदा के लिए मुझे अकेली छोड़कर ना जाओ, वो जालिम अफरीत आ जाएंगे और मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। मारिया ने कहा, घबराओ नहीं, मैंने उन सबको हलाक कर दिया है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। लड़की बोली, खुदा तेरा शुक्र है, ऐ नेक रू, वो तीनों मुसलमान लड़कियां मेरी सहेलियां हैं। ये अफरीत जादू के जोर से हम चारों को यहाँ लाए थे। उन पर आखिरी तिलिस्म होने वाला था और मुझ पर अभी पहला तिलिस्म ही हुआ था। क्या मेरी सहेलियां जिंदा हैं? मारिया ने कहा, मैंने उन्हें आखिरी तिलिस्म से बचा लिया है, वो भाग उठी थी, यहीं कहीं होंगी, मैं उन्हें ढूंढकर इसी जगह लाती हूँ। मारिया लपक कर कोठरी से बाहर निकल आई और उसने तीनों मुसलमान लड़कियों को इधर उधर देखना शुरू कर दिया, मगर वो उसे कहीं ना मिली। अचानक मारिया ने देखा कि वो तीनों लड़कियां भागती हुई आ रही हैं। मारिया ने देखा कि उनके जिस्म बिल्कुल लड़कियों जैसे हो गए थे और शक्लें भी इंसानी बन गई थीं, यानी उनकी आंखें अब चेहरे पर लगी थीं। वो भागकर चौथी मुसलमान लड़की की कोठरी में दाखिल हो गईं। मारिया भी उनके पीछे पीछे कोठरी में दाखिल हो गई। बड़ी मुसलमान लड़की जाते ही कोठरी वाली लड़की से लिपट गई।
या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारी प्यारी सहेली हमें जिंदा सलामत मिल गई। एक लड़की ने पूछा, रागलाना तुम्हें किसने रस्सियां खोलकर आजाद किया? कोठरी वाली लड़की का नाम रागलाना था। उसने कहा, पहले ये बताओ कि तुम किस तरह इंसानी शक्ल में वापिस आई और आजाद हुई। बड़ी लड़की ने कहा, अफरीत खुलाफ हलाक हो चुका है, उनका जादू खत्म हो गया है, अब हम सब आजाद हैं। मगर खुलाफ अफरीत को किसने हलाक किया? बड़ी लड़की कहने लगी, हमें कुछ खबर नहीं है कि यह सब कुछ कैसे हो गया। वो लोग गर्म सलाखों से हमारी हथेली की आंखें फोड़ने ही लगे थे कि किसी ने खुलाफ अफरीत की नीली आंख में गर्म दहकती हुई सलाख ठोंक दी और वो तड़पने लगा। वो मर गया होगा, जब ही तो हम पर उसका जादू खत्म हो गया और हमारी आंखें वापस हमारे चेहरों पर आ गईं। रागलाना ने कहा, यह जरूर उसी नेक आसमानी रूह का कारनामा होगा। कौन नेक आसमानी रूह? एक लड़की ने पूछा। रागलाना ने उसे बताया कि एक नेक आसमानी रूह उसकी कोठरी में आई थी और उसने उसकी रस्सियां खोली थीं और अब वो तुम तीनों की तलाश में वापस गई है। बड़ी लड़की बोली, हमारे साथ एक चौथी लड़की भी कैद खाने में थी, वो गायब है, खुदा जाने कहाँ चली गई। मारिया ने गैबी आवाज में कहा, वो लड़की यहाँ से निकलकर फरार होने में कामयाब हो गई थी। तीनों मुसलमान लड़कियाँ डरकर एक दूसरी से लग गईं। वो मारिया की गैबी आवाज से खौफ खा गई थीं। रागलाना ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ नहीं, ये उसी नेक रूह की आवाज़ है जिसने मुझे आज़ाद किया था। फिर रागलाना ने मुस्कुराकर कहा, ए नेक रूह, मेरी तीनों सहेलियाँ वापस आ गई हैं और इनका तिलिस्म टूट चुका है। मारिया बोली, मैं देख रही हूँ, अब तुम यहाँ से बाहर निकल चलो, कहीं कोई दूसरा तिलिस्म तुम पर अपना असर डालना ना शुरू कर दे। मारिया चारों मुसलमान लड़कियों को लेकर सुरंग में से निकलकर दीवार वाली आंख के सुराख में से दूसरी तरफ गार में आ गई। आंख से निकलते ही आंख गायब हो गई। इसी तरह जब वो अहराम वाली दीवार पर बनी हुई आंख में से निकलकर चबूतरे के अंदर वाली कब्र में दाखिल हुई तो वो आंख भी गायब हो गई। मारिया और चारों लड़कियां भी मलका नफरीती के चबूतरे के नीचे वाले चौड़े सुराख से बाहर आ गईं। मारिया ने चारों लड़कियों को उनके घरों तक पहुंचाया और खुद अंबर को ढूंढने सराय की तरफ चल पड़ी। अंबर और हबशी नौजवान तिरतोश सहरा में सफर कर रहे थे। अंबर मारिया की तलाश में था और हबशी नौजवान तिरतोश के साथ मुल्क हबशा में उसके गांव की तरफ जा रहा था, क्योंकि हबशी तिरतोश ने उसे बताया था कि उसके गांव के बाहर एक पहाड़ी गार में एक ऐसा भारी पत्थर है जिस पर अगर वो 21 रोज चिल्ला काटे तो वो हर सवाल का जवाब देगा। अंबर उस पत्थर से मारिया के बारे में पूछना चाहता था। चार दिनों और चार रातों के सफर के बाद अंबर और नौजवान हबशी तिरतोश मुल्क हबशा में दाखिल हो गए। तिरतोश अंबर को अपने घर ले गया। तिरतोश की बूढ़ी माँ अपने बच्चे को देखकर बेहद खुश हुई, उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। एक दिन और एक रात तिरतोश ने आराम करके सफर की थकावट दूर की। तीसरे रोज शाम को वो अंबर को अपने साथ गांव से दूर पहाड़ी गार के अंदर ले गया। यहाँ एक भारी तकोना पत्थर दीवार के साथ लगा हुआ था। तिरतोश ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, अंबर दोस्त, यही वो पत्थर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि ये मेरे सवाल का जवाब देगा, मगर इसके लिए मुझे इसके आगे बैठकर 21 रोज चिल्ला काटना होगा। अंबर ने पूछा, क्या ये चिल्ला खतरनाक है? तिरतोश बोला, नहीं, ऐसा खतरनाक भी नहीं है। हाँ, अगर उस वक्त जब मैं आंखें बंद किए रात को मंत्र पढ़ रहा हूँ कोई मुझे आवाज दे दे तो मेरी मौत वाकई हो सकती है। अंबर ने कहा, तुम बेफिक्र हो, जब तुम चिल्ला काट रही होगी तो मैं इस गार के बाहर पहरा दूंगा। क्या तुम सिर्फ रात को ही चिल्ला काटोगे? हाँ अंबर दोस्त, मुझे आधी रात के बाद यहाँ बैठकर मुकद्दस मंत्र पढ़ने होंगे। ये मंत्र वो हैं कि पत्थर को भी नरम कर देती हैं और वो बात करने लगती हैं। अंबर कहने लगा, खैर ये तो तुम ही बेहतर जानती हो, क्योंकि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता। तिरतोश हबशी हंसा और कहने लगा, 21 दिनों के बाद जब तुम खुद इस पत्थर को बोलते सुनोगे तो तुम्हें अपने आप यकीन आ जाएगा। आओ अब वापस घर चलते हैं, रात को आएंगे। अंबर और तिरतोश वापस घर आ गए। उसी रात जब आधी रात गुजर गई तो तिरतोश ने अंबर को साथ लिया और गार में आकर पत्थर के सामने बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। उसने एक दिया वहां रोशन करके अपनी आंखों के सामने रख लिया था और कभी कभी मंत्र पढ़ते हुए उसकी लौ को गौर से देखने लगता था। अंबर गार के बाहर पहरा दे रहा था। वो रात गुजर गई। इसी तरह 20 रातें गुजर गईं। फिर चिल्ले की 21वीं रात आ गई, यह आखिरी रात थी। उस रात पिछले पहर पत्थर ने बात करनी थी। अंबर बेताब था कि देखो ये पत्थर मारिया नाग और केटी के बारे में क्या बताता है। जब आखिरी रात का चिल्ला भी तिरतोश ने खत्म कर लिया तो उसने उठकर पत्थर को चूमा और उस पर हाथ रखकर उसने वो सवाल दोहराया जो अंबर ने उसे बताया था। ए पत्थर, मैंने अपने मंत्र पढ़कर तुझे जुबान दी है, अब मुझे बता कि मेरे दोस्त अंबर की साथी बहन मारिया कहाँ होगी? पत्थर में से एक आवाज गूंजती सुनाई दी, मारिया के मुतालिक मुझे कुछ बताने का हुक्म नहीं है। अंबर ने परेशान होकर तिरतोश की तरफ देखा। तिरतोश ने अंबर से कहा, दूसरा सवाल बताओ दोस्त। अंबर ने कहा, इसे पूछो नाग और केटी कहाँ है। तिरतोश हबशी ने पत्थर से दूसरा सवाल पूछा तो उसने कहा, नाग और केटी के बारे में मुझे कुछ बताने का हुक्म नहीं है, ये राज है,
और मैं इस राज को जाहिर करने की ताकत नहीं रखता। तीर्तुष ने एक बार फिर अंबर की तरफ देखा। अंबर ने कंधे झुका लिए और बोला, इससे पूछो कि मुझे उनके बारे में कोई ऐसा इशारा ही बता दे कि जिससे उन्हें तलाश करने में आसानी हो। तीर्तुष अबशी ने पत्थर से इशारा बताने की बात की तो उसने कहा, उनके बारे में मैं कोई इशारा भी नहीं बता सकता। मैं जानता हूँ मारिया इस वक्त कहाँ है, मैं उसे देख रहा हूँ, मगर ये वक्त का तारीख का एक ऐसा राज है कि अगर मैंने जाहिर कर दिया तो मेरे पर खच्चे उड़ जाएंगे। मैं मजबूर हूँ, अंबर ने कहा, मेरे पास अब पूछने को कुछ नहीं है। तुमको अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, तीर्तुष बोला। मैंने ये चिल्ला अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए किया था, और वह दिया बुझाकर उठ बैठा। आओ वापस घर चलते हैं। रास्ते में तीर्तुष ने अंबर से पूछा, मालूम होता है कि तुम किसी बड़े पुरस्कार काम पर लगाए गए हो, आज तक इस पत्थर ने कभी यूं बेबसी का इजहार नहीं किया। अंबर बोला, हाँ कुछ ऐसा ही मामला है, ये एक ऐसा राज है जिसकी तफसील मैं तुम्हें नहीं बयान कर सकता, बस जितना मैंने अपने और नाग मारिया के बारे में बता दिया है उतना ही बहुत है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या ये पत्थर तुम्हें जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों के बारे में कुछ नहीं बताता? तुम दौलत की तलाश में मिस्र क्यों गए थे? तीर्तुष ने कहा, ये पत्थर दौलत के बारे में खामोश रहता है, ये तो सिर्फ अच्छी बातों का ही जवाब देता है। अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या इरादा है अंबर दोस्त? अंबर ने गहरा सांस लिया और बोला, सिवाय इसके मैं और क्या कर सकता हूँ कि खुद नाग मारिया की तलाश में यहाँ से निकल चलूँ। तीर्तुष अबशी ने कहा, दोस्त अंबर तुम शायद भूल गए हो, मैंने तुम्हें बताया था कि शैतानी टोले का सरदार यहूदी जादूगर जेकब मर चुका है, मगर उसका मुवक्किल अभी जिंदा है और वह हमारी तलाश में होगा ताकि वो हमसे यहूदी की मौत का बदला ले सके और हमें या सिर्फ मुझे मुसलमानों को तबाह करने के लिए एक बार फिर इस्तेमाल कर सके। अंबर ने कहा, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, तीर्तुष कहने लगा, और हो सकता है कि उस मौकिल की मदद से तुम्हें मारिया के बारे में कुछ पता चल जाए क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ ही थी। अंबर ने गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि तीर्तुष ठीक कह रहा था, मुर्दा यहूदी जादूगर के खतरनाक मौकिल को भी उसके अंजाम तक पहुँचाना जरूरी था, वरना तीर्तुष की जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी। उसने कहा, दोस्त तीर्तुष मैं उस पुरस्कार मौकिल का इंतजार करूंगा जो इंतकाम लेने की फिक्र में है, लेकिन सवाल ये है कि हम कब तक उसका इंतजार करेंगे? क्या तुम्हें यकीन है कि उसका मौकिल हमारी तलाश में होगा? तीर्तुष कहने लगा, जिस जादूगर को कोई कत्ल कर दे तो उसका मौकिल कुछ दिनों के बाद अपने मालिक के कातिल की तलाश में उसके घर में जरूर आता है। मुझे यहाँ आए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं और मैंने ही यहूदी जादूगर को हलाक किया था, इसलिए हो सकता है वो आजकल में यहाँ आ जाए। लेकिन अगर तुम मारिया की तलाश में जरूर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं खुद उस खूंखार मौकिल का मुकाबला कर लूंगा। अंबर ने कहा, नहीं तीर्तुष मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हम दोनों मिलकर उस खूनी मौकिल का मुकाबला करेंगे। तीर्तुष हबशी ने मुस्कुराकर अंबर की तरफ देखा और कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अंबर हबशी नौजवान तीर्तुष के घर रहने लगा। नाग शाह फ्रांसो की शाही कनीज आपदा के साथ केटी का बगैर सर के धड़ एक संदूक में बंद किए एक काफले के साथ करतबा की तरफ जा रहा था, क्योंकि आपदा का ख्याल था कि हो सकता है स्या उम्मीदू जो कि असल में कारून की बदरू थी वही केटी का सर काट कर ले गया हो और वो करतबा की तरफ वापस गया हो, क्योंकि वो स्पेन का रहने वाला था। नाग एक घोड़े पर सवार था, आपदा दूसरे घोड़े पर सवार थी, केटी की सरकटी लाश का संदूक तीसरे घोड़े पर लदा हुआ था, और ये दोनों एक छोटे से काफले के साथ एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। काफला खामोशी से सफर करता रहा। दूसरी तरफ कारून की बदरू केटी का कटा हुआ सर लेकर करतबा पहुंच चुका था। वो रात के अंधेरे में घोड़े पर सवार उस कुएं के पास जंगल में आ गया जिसके अंदर वो खिड़की थी जो कारून के खजाने के गुंबद को जाती थी। कारून की बदरू उस वक्त इंसानी शक्ल में था, यानी स्या उम्मीदों की शक्ल में था, लेकिन उसका वक्त पूरा हो चुका था और वह कुएं की खिड़की में से निकलते ही फिर से बदरू बन गया, मगर चकोर आंख वाली केटी का कटा हुआ सर उसके पास था। कारून की बदरू अपने गुंबद के करीब से गुजरकर सीधी पत्थरों वाली दीवार के पास खारदार झाड़ियों में आ गई। यहाँ अंधेरा था। कारून की बदरू ने शैतानी देवता को आवाज दी, ऐ शैतानी देवता मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है, मैं एक चकोर आंख वाली लड़की का सर लेकर आ गया हूँ, अब इसे कबूल कर और अपनी शर्त पूरी कर और मुझे हमेशा के लिए दोबारा इंसानी शक्ल अता कर ताकि मैं अपनी बेपनाह दौलत के साथ एक बार फिर ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर सकूँ। झाड़ियों में से शैतानी देवता की आवाज आई, ऐ कारून की बदरू इस कटे हुए सर को अभी खोपड़ी में बदलना है, जब तक इस कटे हुए सर की खोपड़ी नहीं बन जाती तुम्हें हमेशा के लिए इंसानी शक्ल नहीं दी जा सकती। कारून की बदरू ने कहा, शैतानी देवता मैं अभी सर को आग में इसकी खाल जलाकर इसे खोपड़ी बनाई देता हूँ। शैतानी देवता ने कहा, नहीं तुम ऐसा करोगे तो मैं अपनी शर्त पूरी नहीं कर सकूंगा, चकोर अंक वाली इस लड़की के सर को कुदरती तौर पर खोपड़ी में बदलना होगा, जब कुदरती तौर पर
इस सर की खाल उतर जाएगी, मिट्टी बन जाएगी और नीचे से इसकी साफ शफाफ खोपड़ी निकल आएगी। तब कहीं जाकर तुमको इंसानी शक्ल अता की जाएगी। फिर तुम कभी वापस बदरू की शक्ल इख्तियार नहीं करोगे और हमेशा ऐशो आराम से रहोगे। इसलिए अभी इस कटे हुए सर को गुंबद में जवाहरात के किसी संदूक में रखकर बंद कर दो और इसके खोपड़ी बनने का इंतजार करो। कारून की बदरू ने कहा, जो हुक्म शैतानी देवता, मैं ऐसा ही करूंगा। शैतानी देवता की आवाज़ गूंजी, लेकिन तुम्हें सर की रखवाली करनी होगी, क्योंकि हो सकता है कोई खजाने की तलाश में यहाँ आए और इसे भी चुरा कर ले जाए। कारून की बदरू बोली, मैं इसकी रखवाली करूंगा और किसी को इतनी इजाज़त नहीं दूंगा कि वो इसे चुरा कर ले जाए। कारून की बदरू ने केटी के सर का थैला उठाया और गुंबद में आ गया। यहाँ उसका खजाना बिखरा पड़ा था। जगह जगह हीरे मोतियों के ढेर लगे हुए थे। दीवारों और सतूनों के पास सोने चांदी के जेवरात और जवाहरात के हारों से भरे बेशुमार संदूक पड़े थे। ये कारून की बदरू का अपना खजाना था। वो एक सतून के पास आ गई। यहाँ सबसे नीचे एक भारी स्याह लकड़ी का संदूक रखा था। कारून की बदरू ने उस संदूक को खोल दिया। अंदर जवाहरात जगमग करने लगे। कारून की बदरू ने केटी का कटा हुआ सर थैले में से निकाला और जवाहरात के ढेर के नीचे दबाकर रख दिया और संदूक को बंद करके उसके ऊपर दूसरे संदूक रख दिए। जिस संदूक में बदरू ने केटी का सर रखा था उसके ताले वाली जगह पर एक स्याह मोहर लगी थी जिस पर बिल्ली का सर बना हुआ था। कारून की बदरू ने खुशी का एक कहका लगाया जो एक भयानक चीख की तरह थी। कानून की बदरू को पूरा पूरा यकीन था कि उसके खुफिया खजाने के गुंबद तक कोई इंसान नहीं आ सकता। फिर भी उसने कुएं वाली खिड़की को एक भारी पत्थर से बंद कर दिया और गुंबद के इर्द गिर्द फिरने लगी। दूसरी तरफ नाग और शाही कनीज आबदा केटी की लाश के संदूक को लिए करतबा की सराय में पहुंच गए। शाम का वक्त था। नाग ने केटी की लाश वाली संदूक को सराय की कोठरी में रखकर उसका ढकना खोलकर देखा। केटी की लाश बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी थी। उसमें जरा सी भी खराबी पैदा नहीं हुई थी। आपदा भी नाग के पास खड़ी थी। कहने लगी, नाग भैया, लाश बिल्कुल सही हालत में है। नाग ने कहा, हाँ आपदा, ये केटी की लाश है जिसका खून हमारे तुम्हारे खून से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन ये सिर्फ 3 माह तक ऐसी रह सकती है। उसके बाद इसके खून में तब्दीली आ जाएगी और ये लाश मिट्टी बन जाएगी। फिर हम केटी को कभी दोबारा जिंदा नहीं कर सकेंगे। फिर नाग ने आपदा की तरफ देखकर कहा, आपदा बहन, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने माँ बाप के पास घर नाता जाना चाहिए, क्योंकि तुम भी मौत के मुंह से निकलकर यहाँ तक आई हो और वो तुम्हारी याद में बेकरार होंगे। आपदा ने कहा, लेकिन नाग भैया, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। नाग कहने लगा, तुम मेरी फिक्र न करो आपदा, मैं इन मुसीबतों का आदी हूँ, मेरा कहा मानो और अपने घर जाओ। हाँ, कुछ रोज गुजारने के बाद इस राय में अगर चाहो तो मेरा पता कर लेना। आपदा नाग को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर नाग ने उसे मजबूर कर दिया और वह दूसरे दिन सुबह सुबह घोड़े पर सवार होकर अपने माँ बाप के घर की तरफ गरनाता शहर की तरफ रवाना हो गई। अब नाग करतबा शहर की उस सराय में अकेला रह गया। केटी की सरकटी लाश संदूक में बंद पड़ी थी जिसे नाग ने ताला लगाकर रखा हुआ था। नाग ने अब शहर में घूम फिर कर अपने उस स्याह दोस्त उम्मीदों को ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी जिसके बारे में उसे यकीन था कि वही किसी तरह से केटी का सर काट कर साथ ले आया है। नाग की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है वह उस पर कोई तिलिस्म करना चाहता हो, क्योंकि उस जमाने में लाश के कटे हुए सरों पर तिलिस्म करने की बीमारी आम थी और लोग रातों रात किसी खुफिया खजाने को तलाश करके दौलतमंद बनना चाहते थे। नाग सुबह से शाम तक शहर के बाजारों और गली कूचों में चल फिरकर स्याह उम्मीदों का सराग लगाने की कोशिश करता और शाम को वापस सराय में आ जाता। करतबा में उसे 4वां रोज गुजर रहा था। अभी लाश के जिंदा होने की मोहलत में 2.5 महीने बाकी थे। नाग को अंबर और मारिया का भी ख्याल आता कि ना जाने वो कहाँ हैं। अगर उसके साथ होते तो मारिया कम अज कम मकानों के अंदर जाकर उम्मीदों को ढूंढ सकती थी। उस जमाने में करतबा पर मुसलमानों की हुकूमत थी। ये वो जमाना था कि जब करतबा में डॉक्टरी इलम पर बड़ा काम हो रहा था। एक मशहूर मुसलमान सर्जन अलजरीदी इंसान की लाशों पर तजुर्बे करके बीमारियों का पता चला रहा था कि फलां बीमारी का इंसान पर क्या असर होता है और उसे किस तरह दूर किया जा सकता है। उसके लिए उसे हर हफ्ते एक ताज़ा इंसानी लाश की ज़रूरत होती थी और मुर्दा लाश मिलनी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि लोग अपने अपने मुर्दों को कब्रों में दफन कर देते थे, फिर उनकी कब्रों की रखवाली भी करते थे कि कोई लाश चोर कब्र से लाश निकाल कर ना ले जाए। सर्जन अलजरीदी ने अपने खुफिया एजेंट छोड़ रखे थे जो उसे हर हफ्ते कोई ना कोई लाश किसी कब्र से निकाल कर ला देते थे। उसे हर बार ताज़ा लाश की ज़रूरत होती थी। पुरानी लाश पर वो डॉक्टरी तजुर्बे नहीं कर सकता था। उसने लाश के लिए भारी रकम रखी हुई थी जो वो खुफिया तौर पर लाश चोरों को देता था। फिर भी ताज़ा लाश मुश्किल से मिलती थी।
क्योंकि लोगों को भी पता चल गया था कि कोई लाश चोर जानवर कब्रों में से ताजा मुर्दे उखाड़ कर ले जाता है। एक बार जब 2 हफ्ते गुजर गए और सर्जन अलजरीदी ने तपतिक के बारे में इंसानी लाश के फेफड़ों पर एक जरूरी तजुर्बा करना था तो वो बेचैन हो गया। उसने अपने खास एजेंट को बुलाकर कहा, मैं एक लाश का 100 दिनार दूंगा, मुझे कहीं से लाश ला दो, नहीं तो मेरा तजुर्बा अधूरा रह जाएगा। इसमें सारे इंसानों की भलाई है, मैं तपतिक के इलाज की कोई दवा ईजाद करना चाहता हूँ। एजेंट ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। 100 दिनार बहुत बड़ी रकम थी, ये आज के जमाने के 10 लाख रुपए थे। एजेंट ने फौरन अपने एक लाश चोर को अपने घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 50 दिनार दूंगा, मुझे कहीं ना कहीं से एक इंसानी लाश ला कर दो। लाश चोर ने कहा, हजूर, कब्रिस्तान के गिर्द लोगों ने अपने पहरेदार बिठा रखे हैं, अब वहां से किसी ताजा मुर्दे को उखाड़ कर लाना नामुमकिन है। एजेंट ने कहा, चाहे तुम किसी जिंदा इंसान को हलाक करो, लेकिन मुझे 2 दिन के अंदर अंदर कहीं से लाश ला कर दो। ये लो, मैं 10 दिनार तुम्हें पेशगी देता हूँ। सोने के 10 दिनार पाकर लाश चोर बहुत खुश हुआ। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो 2 दिन में कोई ना कोई लाश जरूर ला कर देगा, ख्वाह इसके लिए उसे किसी जिंदा इंसान को ही हलाक क्यों ना करना पड़े। लाश चोर अब किसी ऐसे शिकार की तलाश में था जिसको वो कत्ल कर सके और उसकी लाश एजेंट के हवाले कर दे। लाश चोर इसी शहर का रहने वाला था। वो सोचने लगा कि किस आदमी को वो आसानी से कत्ल कर सकता है। अचानक उसे एक चौकीदार का ख्याल आ गया जो उसका दोस्त भी था और सारी रात शहर के एक बाजार में पहरा देने के बाद दिन के वक्त सोया रहता था। लाश चोर ने सोचा कि वो उस चौकीदार को सोते में बड़े आराम से कत्ल कर देगा। चुनाचे वो दोपहर के बाद अपने घर से निकला और चौकीदार के मकान की तरफ रवाना हो गया। चौकीदार बाजार के कोने में एक मकान की कोठरी में रहता था। लाश चोर ने दरवाजे पर दस्तक दी। चौकीदार ने, जो कि मोटा ताजा था, दरवाजा खोला और लाश चोर को अपनी नींद भरी आंखों से देखते हुए करहत आवाज में बोला, तुम इस वक्त मुझे तंग करने क्यों आ गई हो? तुम्हें मालूम नहीं कि ये मेरा आराम करने का वक्त होता है? सारी रात मैं जाकर पहरा देता हूँ। लाश चोर ने जेब से सोने का एक दीनार निकालकर कहा, मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे आराम का वक्त है, मगर मैं तुम्हें ये दीनार इसी वक्त देकर खुश करना चाहता था। चौकीदार दीनार को देखकर खुश हो गया और बोला, ये दीनार तुमने कहाँ से चोरी किया है? लाश चोर बोला, खुदा मुझसे चोरी न कराए, बात यह है कि मैं पुराने खंडरों की सैर कर रहा था कि मुझे एक बटवा गिरा हुआ मिला जिसमें 2 दीनार थे, एक मैंने रख लिया और एक तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो। चौकीदार ने दीनार लेकर जेब में रख लिया और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। लाश चोर उसे इधर उधर की बातें करते हुए उसके सोने का इंतजार करने लगा। उसने अपने लंबे कुर्ते की जेब में एक तेज धार वाला खंजर छुपा कर रख लिया था। चौकीदार को सख्त नींद आ रही थी, वो लाश चोर की बातों का हूँ हाँ में ही जवाब दे रहा था। फिर उसने हूँ हाँ कहना भी बंद कर दिया और हल्के हल्के खराटे लेने लगा। जब लाश चोर ने उसके खराटों की आवाज़ सुनी तो उसे इत्मीनान हो गया कि लाश चोर सो गया है और उसको कत्ल करने का वक्त आ गया है। लाश चोर ने अपनी जेब से खंजर निकाला और उसे हाथ में लेकर दबे कदम उठाता सोते हुए चौकीदार की तरफ बढ़ा। लाश चोर चारपाई के पास पहुंचकर हमला करने ही वाला था कि उसका पांव जमीन पर रखे तांबे के लोटे से टकरा गया। शोर की आवाज बुलंद हुई और चौकीदार की आंख खुल गई। उसने जो लाश चोर को खंजर हाथ में लिए ऊपर खड़े देखा तो उछलकर दूर जा गिरा और लपक कर दीवार से लगी हुई तलवार खींच ली। अब तो लाश चोर को अपनी जान के लाले पड़ गए। चौकीदार ने चिल्लाकर गुस्से से कहा, तो तुम मुझे कत्ल करने आए थे हरामखोर? चौकीदार तलवार लेकर लाश चोर पर झपटा। लाश चोर खंजर फेंककर बाहर की तरफ भागा। चौकीदार तलवार लहराता उसके पीछे भागा। गलियों में से भागता हुआ लाश चोर सराय में उस कोठरी में घुस गया जहां नाग बैठा हुआ था। लाश चोर ने आते ही नाग के आगे हाथ जोड़ दिए और फिर कदमों में गिर कर बोला, एक कातिल मेरे पीछे लगा है, वो मुझे कत्ल करना चाहता है, मुझे उससे बचाओ, खुदा के लिए बचाओ। नाग ने कहा, मेरे पलंग के नीचे छुप जाओ। लाश चोर नाग के पलंग के नीचे घुस गया। नाग ने पलंग पर चादर डाल दी। थोड़ी देर में चौकीदार हाथ में तलवार लिए आया और नाग से पूछा, तुमने एक दुबले पतले आदमी को तो यहाँ नहीं देखा, वो मुझे कत्ल करने आया था? नाग ने कहा, मैंने तो नहीं देखा। यह सुनकर चौकीदार बोला, आज वो हरामखोर मुझसे बचकर नहीं जा सकता, और तलवार लहराता सराय से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद नाग ने लाश चोर को पलंग के नीचे से निकाला और कहा, वो तो कह रहा था कि तुम उसे कत्ल करने आए थे। लाश चोर बड़ी मासूम सी सूरत बनाकर बोला, हजूर, मैं तो एक कमजोर सा आदमी हूँ, उसे कैसे कत्ल कर सकता हूँ? वो मेरा दोस्त है, हमारा झगड़ा हो गया और वह तलवार लेकर मुझे कत्ल करने के लिए झपटा। नाग ने कहा, अच्छा वो चला गया है, अब तुम भी जा सकती हो। लाश चोर को अपनी जान की फिक्र पड़ी थी, वो रात इसी कोठरी में गुजारना चाहता था ताकि दूसरे दिन मुंह अंधेरे वहां से किसी दूसरे शहर चला जाए, क्योंकि वो जानता था कि अब चौकीदार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने नाग के पांव पकड़ लिए और कहा, हजूर मुझे बाहर ना भेजें, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, खुदा के लिए मुझे सिर्फ आज की रात इस कोठरी में छुपाए रखें।
सुबह मुंह अंधेरी, मैं यहाँ से किसी दूसरे शहर को चला जाऊंगा। नाग को लाश चोर पर रहम आ गया, उसने उसे कोठरी में छुपे रहने की इजाजत दे दी और उठकर दरवाजा बंद कर दिया। नाग को क्या खबर थी कि ये उसका दुश्मन है जो वहां आ गया है। उसने लाश चोर को खाना भी खिलाया और उससे बातें करने लगा। लाश चोर ने नाग को झूठ मूठ बताया कि वो एक गरीब मजदूर है और शहर में मजदूरी करके पेट पालता है। नाग ने कहा, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रात गुजारो, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लाश चोर की निगाह कई बार दीवार के साथ लगे उस भारी संदूक पर पड़ी जिसमें केटी की सरकटी लाश बंद थी। उसने बातों ही बातों में नाग से पूछा कि इस संदूक में क्या है। नाग ने कहा, मेरे कपड़े और जरूरी सामान है, मैं ताजिर हूँ, दूसरे शहरों से माल लाकर फरोख्त करता हूँ। मगर लाश चोर को शक्सा पड़ गया कि इस संदूक में बड़ी कीमती चीजें और हो सकता है इस ताजिर यानी नाग ने सोने के दिनार भी रखे हों, क्योंकि नाग उसे एक अमीर सौदागर लगा था। लाश चोर ने दिल में फैसला कर लिया कि जो ही मौका मिला वो संदूक खोलकर उसमें से जवाहरात और दूसरी कीमती चीजें चुरा कर ले जाएगा। अब वो मौके की तलाश में रहा और ये मौका उसे बहुत जल्द मिल गया। जब रात हुई तो नाग ने सोचा कि क्यों ना वो पुराने खंडर में जाकर उम्मीदों का सुराग लगाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर उसने किसी अमल या चिल्ले के लिए केटी का सर काटा है तो वो जरूर उसी खंडर में होगा। इसकी वजह ये थी कि चिल्ला काटने और तिलिस्मी अमल करने के लिए करतबा का वो खंडर बड़ा मशहूर था। नाग ने लाश चोर से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए वो कोठरी की हिफाजत करे। लाश के संदूक पर चूंकि मजबूत ताला लगा था इसलिए नाग को कोई फिक्र नहीं थी। वैसे भी उसे यकीन था कि संदूक में से लाश को कोई चोर नहीं निकालेगा। उसे क्या मालूम था कि लाश चोर को एक लाश ही की सबसे ज्यादा जरूरत थी। नाग चला गया। लाश चोर बड़ा खुश हुआ कि उसे मौका मिल गया है। नाग को गए जब कुछ देर हो गई तो लाश चोर ने पत्थर मारकर संदूक का ताला तोड़ डाला और बेताबी से उसका ढकना खोल दिया। जो ही उसने अंदर एक सरकटी इंसानी ताज़ा लाश देखी तो उसके मुंह से एक बार तो चीख निकल गई, फिर वह संभल गया और लाश को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे उसके दिल की मुराद मिल गई थी। वो लाश एजेंट के हवाले करके उसे 40 सोने के दिनार हासिल कर सकता था। चोर ने खिड़की के दरवाजे में से झांक कर देखा। रात सुनसान थी, बाहर कोई नहीं था। उसने पलंग की चादर में लाश को संदूक में से निकाल कर रखा, उसे लपेटा और कंधे पर डालकर कोठरी से बाहर आ गया। वो इस बात पर जरूर हैरान था कि इस औरत की लाश का सर कहाँ गायब हो गया है, और ये ताजिर तो कोई कातिल निकला कि एक औरत की सरकटी लाश अपनी कोठरी में रखे बैठा था। लाश चोर शहर की दूसरी तरफ से निकलकर सुनसान बाजार में आ गया। यहाँ चौकीदार के मिलने का खतरा नहीं था। ये बाजार और गलियाँ लाश चोर की देखी भाली थी। केटी की लाश इतनी भारी नहीं थी, चुनाचे वह उसे उठाए खामोश और वीरान गलियों में से गुजरता लाशों के एजेंट के मकान पर आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया, लाशों का एजेंट आंखें मलता आया, इस वक्त कौन आया है। उसने दरवाजा खोला तो चोर ने अंदर आकर केटी की लाश को पलंग पर डाल दिया। एजेंट बोला, कमबख्त, ये इस वक्त कहां से लाश लाया है। फिर लाश के मुंह से चादर हटाकर केटी की सरकटी लाश देखी तो ताज्जुब से बोला, लगता है इसको तुमने अभी अभी कत्ल किया है, लाश गर्म है, मगर इसका सर कहाँ है। चोर बोला, हजूर, मैंने इसे कत्ल नहीं किया, बल्कि एक जगह से मुझे कत्ल की हुई मिल गई है, इसका सर गायब था। एजेंट बोला, कोई बात नहीं, सर की जरूरत भी नहीं होती। लाश चोर ने कहा, हजूर, मेरा इनाम मुझे इनायत कर दें, मुझे जरा जल्दी है। एजेंट ने अलमारी में से बाकी 40 दीनार निकालकर लाश चोर के हवाले किए और वह दीनार जेब में डालकर रफू चक्कर हो गया। एजेंट ने लाश को अपने पलंग के नीचे उसी चादर में लपेटकर छुपा दिया। वह मुंह अंधेरे उस लाश को करतवा के मशहूर सर्जन अलजरेदी की हवेली में ले जाना चाहता था ताकि उसे अपना इनाम बाकी 50 दीनार वसूल कर सके। उधर जब आधी रात तक खंडर में घूमने के बाद नाग वापस कोठरी में आया तो संदूक को खुला देखकर धक से रह गया। जल्दी से संदूक में झांक कर देखा तो केटी की लाश गायब थी और वो आदमी भी गायब था जिसको नाग ने अपनी कोठरी में पनाह दी थी। नाग तो सर पीट कर रह गया। जाहिर था कि वही आदमी केटी की लाश को चुरा कर ले गया है। पहले केटी का सर गायब हुआ और अब उसकी बाकी लाश गायब हो गई थी। ये मुअम्मा उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी लाश को किस मकसद के लिए ले गया है। नाग परेशान होकर कोठरी से बाहर निकला। बाहर चारों तरफ खामोशी और गहरा अंधेरा छाया था। वह थोड़ी दूर तक लाश चोर की तलाश में गया मगर वो इस शहर के पुरेसरार गुंजान गली कूचों से नावाकिफ था, इसलिए ये सोचकर वापस आ गया कि दिन निकलेगा तो वो केटी की लाश का कोई सुराग लगाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ मुंह अंधेरे का वक्त हुआ तो सर्जन अलजरेदी का एजेंट केटी की लाश को एक बोरी में डालकर खुफिया रास्तों से सर्जन की हवेली में ले गया। सर्जन अलजरेदी एक उधेड़ उम्र सर्जन था और अपने फन में बड़ा माहिर था। उसने केटी की लाश देखी तो कहा, इसका सर नहीं है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसकी गर्दन पर खून के निशान नहीं है और जिस्म भी गर्म है, कहीं तुम इसे कत्ल करके तो नहीं लाए। एजेंट ने कहा, जनाब याली, अगर मैं इसे कत्ल करके लाया होता तो इसकी गर्दन पर खून के निशान जरूर मिलते। ये तो मेरे एक एजेंट ने कहीं से ला कर दी है और कोई दूसरा आदमी इसे कत्ल कर गया था।
खुदा जाने उसने इसका सर कहाँ फेंक दिया। सर्जन अलजरेदी ने एजेंट को बाकी 50 दिनार देते हुए कहा, खबरदार किसी को कत्ल करके लाश मत लाना, कोशिश करो कि तुम्हें कब्रिस्तान ही से कोई ताज़ा लाश मिल जाए, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें इंसानों की भलाई है और आने वाली नस्लें मेरे इन तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगी। अब तुम जा सकती हो, एजेंट ने कहा। मैं जल्द ही दूसरी लाश भी लाने की कोशिश करूँगा, सर्जन अलजरेदी ने कहा। इस वक्त मेरे पास 2 मुर्दों की लाशें आ चुकी हैं और मैं उन पर काम कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे 15 दिनों के बाद फिर एक लाश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उन 2 लाशों के बाद मुझे उस औरत की लाश पर तजुर्बात करने होंगे। बहरहाल तुम 15 दिन के बाद कब्रिस्तान से कोई ताज़ा लाश लाने की कोशिश करना। ठीक है जनाब, एजेंट चला गया तो सर्जन अलजरेदी ने केटी की सरकटी लाश को एक सर्द खाने में ले जाकर रख दिया, जहाँ पहाड़ों पर से बहुत सी बर्फ़ लाकर रख दी गई थी। इससे पहले वहाँ एक लाश पड़ी थी और एक लाश पर सर्जन तजुर्बात कर रहा था। जब दिन निकला तो नाग ने केटी की लाश के बारे में तहकीकात शुरू कर दी। उसे एक बात का यकीन हो गया था कि यहाँ इस शहर में कोई लाशों का कारोबार करता है। जब ही तो कोई केटी की लाश को चुरा कर ले गया है और उसके सर को भी किसी ने काट लिया था, वरना किसी को लाश चुराने की क्या जरूरत थी। सराय में लोग नाश्ता वगैरह करने आ गए थे। नाग उनमें घुल मिलकर बैठ गया और बातें करने लगा। उसने एक आदमी से पूछा, अजीब शहर है ये तुम्हारा भाई, यहाँ तो सुना है कि लोग लाशें भी चुरा कर ले जाती हैं। उस आदमी ने नाग की तरफ देखकर कहा, भाई तुम परदेसी मालूम होते हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ के जर्रा इन दिनों इंसानी लाशों का चीर फाड़ करके उन पर तजुर्बे करते हैं और ये लाशें उन्हें लाश के चोर पैसे लेकर देती हैं। नाग ने पूछा, लेकिन ये चोर लाशें कहाँ से लाते हैं। वो आदमी बोला, कब्रिस्तान में रात के अंधेरे में किसी ताज़ा कब्र को खोदकर लाश चुरा कर ले जाती हैं। अब तो कब्रिस्तान में लोगों ने पहरे बिठा दिए हैं, फिर भी चोर बाज नहीं आते। दूसरा आदमी कहने लगा, अब तो लोग रात के अंधेरे में घरों से बाहर नहीं निकलते कि कहीं लाशों के चोर उन्हें छुरा घोंप कर किसी जर्राह के पास उनकी लाश फरोख्त न कर दें। नाग के सामने अब हर बात साफ हो गई थी। यकीनन जिस शख्स ने केटी की लाश चुराई थी वो भी कोई लाश चोर था। उसको चौकीदार का ख्याल आ गया, जो रात को तलवार लेकर उसके पीछे लगा हुआ था। नाग पता पूछता पूछता चौकीदार के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। लोगों ने बताया कि रात को किसी ने उसे कत्ल करने की कोशिश की थी, इसलिए वो डर के मारे शहर छोड़कर कुछ दिनों के लिए गांव चला गया है, जो वहां से बहुत दूर है। उस चौकीदार के गांव वाले घर के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। नाग के दिमाग में एक तरकीब आई। यही एक तरकीब थी जिस पर अमल करते हुए वो केटी की लाश का कुछ सुराग लगा सकता था। नाग को पता चल चुका था कि लाशों के चोर आधी रात को कब्रिस्तान का चक्कर लगाते हैं और जहाँ कहीं कोई ताज़ा कब्र खुदी होती है उसमें से मुर्दा निकालकर रफू चक्कर हो जाते हैं। नाग वहां से निकलकर सीधा कब्रिस्तान आ गया। यहाँ कब्रें बिखरी हुई थीं, ऊपर खजूरों के झुंड थे, सबकी सब पुरानी कब्रें थीं। जो चंद एक ताज़ा कब्रें थीं उन पर पड़े हुए फूल बासी हो गए थे और मिट्टी भी खुश्क हो चुकी थी। नाग कब्रिस्तान में फिरते फिरते गोरकन यानी कब्रें खोदने वाले की झोंपड़ी तक आ गया। बूढ़ा गोरकन झोंपड़ी के बाहर तख्त पर बैठा कावा पी रहा था। नाग ने जाकर सलाम किया और उसे बताया कि मैं अफ्रीका के शहर सोडान का हूँ और करतबा में आबाद हो गया हूँ। वो शाम तक गोरकन के पास बैठा रहा और उसे कहा कि वो कब्रें खोदने का काम करना चाहता है। गोरकन ने कहा, यह बड़ा मुश्किल काम है, तुम नहीं कर सकोगे। इसी तरह बातें करती करती जब शाम का अंधेरा फैल गया तो नाग ने अपनी स्कीम पर अमल करते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, दर्द सा हो रहा है मुझे। गोरकन ने कहा, परदेश में आकर शुरू शुरू में मैदा खराब हो जाया करता है, अभी तुम्हें चूरन खिलाता हूँ, ठीक हो जाओगी। गोरकन झोंपड़ी के अंदर से चूरन ले आया और नाग को खिला दिया, लेकिन उसके खाते ही नाग जानबूझकर धड़ाम से गिर पड़ा और सांस ऊपर खींच लिया। गोरकन परेशान हो गया, उसने नाग को हिलाया, उसे आवाज दी मगर वो ना बोला। उसने नब्ज देखी तो बंद थी, सांस भी नहीं आ रहा था। नाग ने अपने आप को मुर्दा साबित करने का सारा काम कर लिया था। गोरकन को मालूम हुआ कि अजनबी परदेसी मर गया है। उसने शाम के अंधेरे में ही जाकर कब्र खोद दी और नाग को उसमें दफन कर दिया। इस ख्याल से भी उसने जल्दी की कि कहीं उस पर उसकी मौत का इल्जाम ना लग जाए, क्योंकि उसी ने नाग को चूरन खिलाया था। नाग ने कब्र में जाते ही अपना सांस रोक लिया। इत्तफाक से उसी रात एक पुराना लाश चोर, केटी की लाश ले जाने वाला लाश चोर मौजूद नहीं था। फिरते फिराते किसी ताज़ा लाश की तलाश में कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। उसने गोरकन से पूछा, कोई ताज़ा लाश आई थी। गोरकन ने कहा, हाँ शाम को एक परदेसी की लाश लेकर कुछ लोग आए थे, पीछे दफन है, तुम उसके रिश्तेदार हो क्या। लाश चोर बोला, हाँ बाबा वो मेरा चाचा था, मैं उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने आया हूँ। गोरकन ने कहा, ठीक है जाओ जाकर फातिहा पढ़ लो, कब्र पीछे खजूर के दरख्त के नीचे है। लाश चोर खुशी खुशी उस तरफ चल दिया। वो हकीम बनकर आया था लाश चोर। नाग की कब्र पर आकर बैठ गया
और फिर उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी खोदने की आवाज सुनकर गोरकन ने ताजा खुदी हुई कब्र की तरफ देखा कि वही लाशचोर कब्र खोद रहा था। गोरकन ने जानबूझकर आंख बंद कर ली। वो भी यही चाहता था कि कोई चोर जितनी जल्दी हो सके आए और नाग की लाश निकाल कर ले जाए। जब उसने एक लाश चोर को अपना काम करते देखा तो वो खामोशी से झोंपड़ी में जाकर सो गया और उसने चोर को अपना काम करने दिया। लाश चोर ने नाग की लाश निकालकर एक चादर नुमा थैले में बंद की, अपने कांधे पर लाद कर उसे कब्रिस्तान से बाहर लाकर छकड़े पर लादा और छकड़ा लिए शहर की तरफ चल पड़ा। रात के अंधेरे में वो उस लाश को लेकर सीधा एक और सर्जन के पास ले गया। ये सर्जन अलजरीदी नहीं था जिसके पास केटी की लाश थी, बल्कि ये एक दूसरा सर्जन था। उसका नाम मौजूदी था। सर्जन मौजूदी ने नाग की लाश लेकर चोर को दिनार दिए और अपनी हवेली के सर्द खाने में रखवा दी। दूसरे दिन दोपहर के खाने के बाद सर्जन मौजूदी लाशों के सर्द खाने की तरफ चला कि ताज़ा लाश पर तजुर्बा शुरू करे। इस दौरान नाग ने सर्द खाने में चारों तरफ देखकर तसल्ली कर ली थी कि वहां कोई दूसरी लाश नहीं थी। कमरे में सख्त सर्दी थी मगर नाग पर उस सर्दी का कोई असर नहीं हो रहा था। नाग को पहले तो ख्याल आया कि यहाँ से निकल जाए, फिर ये सोचकर वहीं तख्ते पर पड़ा रहा कि शायद सर्जन जर्रा जब उसे वहां से तजुर्बा करने के लिए दूसरे कमरे में ले जाए तो हो सकता है कि वहां केटी की लाश का कुछ पता चल सके। सर्जन जर्राह मौजूदी सर्द खाने का दरवाजा खोलकर नाग की लाश के पास आया। उसके साथ एक गुलाम भी था। वो लाश को गुलाम के कांधे पर रखवा कर अपनी खास लेबोरेटरी में ले गया और नाग की लाश को स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। ये स्ट्रेचर पत्थर की सफेद सील थी। सर्जन मौजूदी ने गुलाम को बाहर भिजवा दिया और पुराने जमाने के आलाते जराही के संदूक में से एक तेज धार वाला चाकू निकाला। नाग थोड़ी सी आंख खोलकर उसे देख रहा था। इस अरसे में नाग ने गहरा सांस लेकर अपने जिस्म को पहली बार अंबर के जिस्म में बदलकर उसे पत्थर की तरह सख्त बना दिया। सर्जन जराह मौजूदी ने चाकू नाग की लाश के सीने पर से कपड़ा हटाकर रखा और सीना खोलने के लिए जोर से उसे दबाया कि सीना चीरकर लाश के फेफड़े बाहर निकाले और उन पर दवाओं का तजुर्बा करे। मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब चाकू ने लाश के सीने में घुसने से इनकार कर दिया। सर्जन मौजूदी ने दूसरी बार नाग के सीने में चाकू मारा। चाकू नाग के सीने से टकराकर टूट गया। सर्जन जराह मौजूदी की आंखें खुली की खुली रह गईं। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, वो अपने आप से कहने लगा। उसने नाग की आंखें खोलकर देखा। आंखें पथराई हुई थी, नब्ज भी गायब थी, दिल भी नहीं धड़क रहा था। फिर लाश पत्थर कैसे बन गई? सर्जन मौजूदी ने कुल्हाड़ी लेकर जोर से नाग की एक उंगली पर जरब लगाई कि शायद उसकी उंगली ही कट जाए, लेकिन उंगली कटने की बजाय कुल्हाड़ी का फल टूट गया। सर्जन मौजूदी ने लाश को वहीं रहने दिया और गुलाम को बुलाकर कहा, फौरन उस्ताद अलजरीदी जर्राह की हवेली में जाओ और उसे फौरन बुला लाओ, कहना कि मैंने उनको एक खास लाश दिखानी है। खबरदार, किसी के सामने ये बात मत करना। गुलाम घोड़े पर सवार होकर अलजरीदी की हवेली की तरफ चल दिया। सर्जन मौजूदी नाग की लाश को किसी न किसी जगह से काटने की कोशिश करता रहा मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। इतने में सर्जन अलजरीदी आ गया। सर्जन मौजूदी ने उसे लाश की तरफ इशारा करके कहा, दोस्त ये देखो, एक अजीबोगरीब किस्म की लाश मेरे पास आई है। केस पर चाकू छुरी कुल्हाड़ी कोई औजार ऐसा नहीं करता। सर्जन अलजरीदी ने नाग की लाश का मुआयना किया और उस पर कई जगहों से चाकू लगाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हुआ। लाश पत्थर की तरह थी। अलजरीदी बोला, दोस्त मौजूदी ये लाश तो पत्थर हो चुकी है मगर इसको मरे ज्यादा दिन नहीं हुए लगते। लाश का जिस्म बिल्कुल साफ है, फिर यह पत्थर कैसे बन गई? सर्जन मौजूदी सर खुजाते हुए बोला, मैंने इस किस्म की अजीबोगरीब लाश पहले कभी नहीं देखी। सर्जन अलजरीदी बोला, हमारे एजेंट आजकल ना जाने कहां कहां से किस किस्म की लाशों को उठाकर ले आते हैं। एक एजेंट मेरे पास कल ही एक औरत की लाश लाया है जिसका सर कटा हुआ है मगर गर्दन पर खून का एक हल्का सा निशान भी नहीं है। इतना सुनते ही नाग चौकन्ना हो गया। जिस लाश को तलाश करने के लिए उसने खुद लाश का रूप धारा था, आखिर उसका सुराग मिल गया था। केटी की सरकटी लाश दूसरे सर्जन के पास थी। नाग खामोश रहा। सर्जन अलजरीदी थोड़ी देर के बाद चला गया। दूसरे सर्जन ने नाग की लाश दोबारा सर्द खाने में रखवा दी क्योंकि वह उस पर कोई तजुर्बा नहीं कर सकता था। जब गुलाम नाग की लाश को सर्द खाने में रखकर वापस जाने लगा तो नाग उठ खड़ा हुआ और उसने गुलाम का बाजू पकड़ लिया। गुलाम ने लाश को जिंदा होते और अपना बाजू पकड़ते हुए देखा तो वो चीख मारकर बेहोश हो गया। नाग ने गुलाम को इसलिए रोका था कि वह उससे दूसरे सर्जन अलजरीदी की हवेली का पता मालूम करना चाहता था मगर वो कमबख्त तो दहशत के मारे बेहोश हो गया था। गुलाम की चीख की आवाज़ सुनकर सर्जन मौजूदी भागकर सर्द खाने में आ गया। उसने देखा कि उसका वफादार गुलाम नाग की लाश के करीब ही फर्श पर बेहोश पड़ा है। उसने गुलाम को उठाया और सर्द खाने से बाहर ले गया। नाग दोबारा उठ बैठा। अब वो इस हवेली से निकल जाना चाहता था ताकि अलजरीदी जर्राह सर्जन की हवेली में जाकर केटी की लाश दोबारा हासिल करे। वो बाहर निकला तो सर्जन मौजूदी बेहोश गुलाम को होश में लाने की कोशिश कर रहा था।
और उसे एक तेज दवाई सुंघा रहा था। जो ही सर्जन जराह की नजर नाक पर पड़ी तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सर्दखाने की लाश जिंदा होकर उसके सामने आ गई है। नाग उसकी तरफ बढ़ा तो सर्जन मौजूदी भी चीख मारकर बेहोश हो गया और गुलाम के ऊपर ही गिर पड़ा। नाग को शाम का रूप बदलने की जरूरत ही नहीं थी। नाग हवेली से निकल आया। सूरज डूब रहा था। गलियों में कहीं कहीं फानूस रोशन थे। नाग को सर्जन अलजरेदी की हवेली की तलाश थी। वो लोगों से पूछता पूछता सर्जन अलजरेदी के हवेली के बाहर पहुंच गया। हवेली का दरवाजा खटखटाया और दरवाजे के सामने लाश की तरह लेट गया। गुलाम ने दरवाजा खोला ही था कि एक लाश को वहां पड़े देखकर डरकर पीछे भागा और अपने मालिक सर्जन अलजरेदी को जाकर खबर की कि बाहर एक लाश पड़ी है। सर्जन अलजरेदी हैरान होकर दौड़ा, दरवाजे पर आया। वहां हल्का हल्का अंधेरा था। उसने गुलाम से कहा कि लाश को उठाकर अंदर ले जाओ। लाश को कमरे में लाकर सर्जन अलजरेदी ने रोशनी में लाश पर नजर डाली तो उछल सा पड़ा। मेरे खुदा, ये तो वही लाश है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने साथी सर्जन मौजूदी के घर देखी थी, मगर ये यहाँ कैसे आ गई? लगता है कि मेरे दोस्त मौजूदी ने इस पथरीली लाश से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हुए इसे मेरे दरवाजे पर डाल दिया है। खैर कोई बात नहीं, उसने गुलाम से कहा, इस लाश को अंदर सर्द खाने में ले जाकर डाल दो। मैं कल उसके घर जाकर पूछूंगा कि उसने मेरे साथ क्या मजाक किया। गुलाम ने लाश उठाई और उसे सर्द खाने में ले जाकर फर्श पर डाल दिया। गुलाम के जाते ही नाग की लाश ने आंखें खोल दी। वो उठ बैठा। उसके करीब ही जमीन पर दो लाशें पड़ी थीं, जिनको कपड़ों से ढांपा हुआ था। नाग ने एक लाश से कपड़ा उठाया तो खुशी से उछल पड़ा। ये केटी की लाश थी। लाश बिल्कुल वैसी की वैसी थी और लगता था कि अभी सर्जन अलजरीदी ने इस पर किसी किस्म का तजुर्बा नहीं किया था। नाग को यही एक परेशानी थी कि कहीं केटी की लाश का चीर फाड़ न कर दिया जाए। अब वह केटी की लाश को वहां से बाहर निकालना था। नाग गौर करने लगा कि इस लाश को वहां से कैसे निकाल कर ले जाए। इस सर्द खाने में कोई खिड़की नहीं थी, एक ही दरवाजा था जो बंद था और उसकी दूसरी जानिब सर्जन और उसका गुलाम था। नाग चाहता था कि इनमें से किसी को पता ही ना चले और वह लाश लेकर चला जाए। आखिर यही एक तरकीब नाग के दिमाग में आई कि किसी तरह इन लोगों को डरा कर लाश निकाल कर ले जाई जाए। नाग रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। जब काफी वक्त गुजर गया और उसे महसूस हुआ कि बाहर घुप अंधेरा छा गया होगा, तो वो फर्श पर से उठा और उसने दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा। दरवाजा काफी मजबूत लकड़ी का था, मगर नाग का मुक्का खाते ही उखड़ कर दूर जा गिरा, क्योंकि उस वक्त नाग के जिस्म में अंबर के जिस्म की ताकत आ गई थी। धमाके की आवाज सुनकर सर्जन अलजरेदी भागा भागा आया कि ये क्या हुआ है। देखा कि सर्द खाने का दरवाजा टूटा पड़ा है और चौखट में वही लाश खड़ी है जिसको अभी अभी उसने हवेली के दरवाजे से उठवाकर सर्द खाने में फेंकवाया था। नाग आगे बढ़ा और बोला, मैं लाश हूँ और तुमसे अपनी बेहुरमती का इंतकाम लेने आई हूँ। नाग ने मुंह खोलकर एक चीख मारी और सर्जन अलजरीदी पर दोनों बाजू उठाकर झपटा। सर्जन उधेड़ उम्र का कमजोर आदमी था, लाश को जिंदा होते और अपने ऊपर हमला करते देखकर दहशत खा गया और बेहोश होकर धड़ से गिर पड़ा। चीख की आवाज सुनकर गुलाम दौड़ा दौड़ा आया तो वो भी लाश को देखकर वहीं हक्का बक्का होकर रुक गया। अब लाश उसकी तरफ बढ़ी। गुलाम ने सीढ़ियों के ऊपर से छलांग लगा दी और बाहर भाग गया। मैदान साफ देखकर नाग सर्द खाने में वापस आ गया। जल्दी से उसने केटी की लाश को चादर में लपेटा, उसे अपने कंधे पर डाला और सीढ़ियां उतरकर हवेली में से घोड़ा खोला, उस पर केटी की लाश को रखा, फिर खुद सवार हुआ और घोड़े पर गलियों बाजारों से होता हुआ वापस अपनी सराय में आ गया। अपनी कोठरी की चाबी उसके पास थी। कोठरी का ताला खोला, लाश को अंदर लाकर संदूक में डाला और बंद करके ताला लगा दिया। नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो केटी की लाश को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गया था। वो आराम से पलंग पर लेट गया। उसने अब लाश की भरपूरी हिफाजत करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इस शहर में लाशों का कारोबार जोरों पर था। सुबह हुई तो नाग ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो केटी के सर की तलाश में सराय से निकल कर जाए तो पीछे कोई लाश चोर केटी की लाश चोरी करके ले जाए। इसलिए बेहतर यही है कि लाश को यहाँ से ले जाकर बाहर किसी खंडर में जमीन में गढ़ा खोदकर दफन कर दिया जाए। चुनाचे उसने केटी की लाश वाले संदूक को अपने घोड़े पर लादा और उसे लेकर शहर से बाहर एक वीरान टीले के पास खंडर में ले आया। यहाँ एक खो बना हुआ था। उसने यहाँ एक जगह जमीन में गढ़ा खोदा और केटी की लाश का संदूक उसमें रखकर ऊपर से मिट्टी डालकर जमीन बराबर कर दी और निशानी के तौर पर वहाँ एक तकोना पत्थर रख दिया। नाग को यकीन था कि केटी का सर भी इसी शहर में किसी जगह है, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और उसे केटी के सर को जल्द से जल्द तलाश करना था। अब उसने किसी सांप से मदद लेने का फैसला किया और गहरी सांस भरकर खंडर के इलाके में मौजूद सांप को आवाज दी। उस इलाके में एक बूढ़ा सांप मुद्दत से रह रहा था। उसने नाग देवता की सदा सुनी तो अपने बिल में से निकलकर खंडर की तरफ भागा। उसे पहले ही नाग देवता की खुशबू आने लगी थी और वह होशियार हो गया था।
कि नाग देवता कहीं आसपास ही है। वो तेजी से रेंगता हुआ नाग के सामने आ गया, अदब से फन उठाकर उसे झुकाया और बोला, अजीम नाग देवता, खादिम को किस लिए याद किया आपने? गुलाम हर खिदमत के लिए हाजिर है। नाग ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, इस जगह जमीन के अंदर मेरी बहन केटी की लाश दफन है। उसके जिस्म से भी तुम्हें मेरी हल्की खुशबू आ रही होगी, लेकिन मैं अपनी बहन केटी के सर की तलाश में हूँ। कोई जालिम शख्स उसका सर काट कर ले गया है। उसके सर से भी मेरी हल्की हल्की खुशबू आ रही होगी। क्या तुम बता सकते हो कि कटा हुआ सर कहाँ होगा? कोबरा सांप ने कहा, अजीम नाग, मैं इर्द गिर्द के सारे इलाके को छान मारूंगा। जहाँ कहीं भी केटी का सर मौजूद हुआ आपको आकर खबर कर दूंगा। नाग बोला, अभी जाओ और मुझे वापस आकर बताओ कि तुम क्या खबर लाए हो। कोबरा सांप अदब से सर झुकाकर वापस चला गया। नाग केटी की कब्र के सरहाने बैठ गया। काफी देर के बाद कोबरा सांप वापस आया और बोला, अजीम नाग, यहाँ से दूर एक जंगल में पहाड़ियों के दरमियान एक गहरा अंधा कुआं है। मुझे इस कुएं के अंदर से आपकी बहुत ही मध्यम खुशबू आती है। मैंने नीचे जाकर देखा मगर कुएं के अंदर कोई रास्ता नहीं है। अचानक नाग को याद आया कि कहीं यह वही कुआं तो नहीं है जिसके अंदर वो केटी की तलाश में गया था और उसे वहां कारून का खजाना नजर आया था और फिर कारून की बदरू ने हमला कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि केटी का सर उस जगह पड़ा हो? नाग ने सांप से कहा, तुम इस जगह बैठकर केटी की लाश की हिफाजत करो, मैं कुएं में जाता हूँ। जो हुक्म मेरे आका। सांप ने अदब से जवाब दिया और कुंडली मारकर केटी की कब्र पर पहरा देने लगा। नाग वहां से सीधा उन पहाड़ों की तरफ चला। उसे याद था कि एक कुआं था जिसके अंदर से वो एक बार निकला था। वहां वो सुनहरी घूंगे की शक्ल में पहुंचाया गया था। वो आखिर उस जगह पहुंच गया जहां एक वीरान अंधा कुआं था। उसके कुएं को पहचान लिया, यही वो कुआं था। उसके अंदर से केटी की बहुत ही मध्यम और हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। नाग चूंकि असल में एक सांप था इसलिए उसकी बू सूंघने की हिस आम इंसानों से हजार गुना ज्यादा थी। केटी की जो उसे खुशबू आ रही थी वो कोई आम इंसान कभी महसूस नहीं कर सकता था। कुएं में पानी नहीं था, नीचे गहराई में अंधेरा था। उस अंधेरे में नाग को वहां बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। नाग ने गहरा सांस खींच कर छोड़ा तो वो सांप की शक्ल इख्तियार कर गया। सांप बनने के बाद वो रिंगता हुआ कुएं में उतर गया। अब नाग को यह भी याद आ गया कि इस कुएं में खिड़की थी जिसमें से वो बाहर निकला था। नाग ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उस खिड़की को कानून की बदरू ने भारी पत्थर से दूसरी तरफ से बंद कर दिया था, लेकिन नाग ने उस खिड़की को पहचान लिया। भारी पत्थर की वजह से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। नाग को एक जगह छोटा सा सुराख दिखाई दिया। वो सांप की शक्ल में उस सुराख में दाखिल होकर दूसरी तरफ निकल गया। दूसरी जानब उसे एक वीरान बाग का उजड़ा हुआ रास्ता नजर आया जिसके दरख्त सूखे हुए थे और उन सूखे दरख्तों के दरमियान दूर एक बहुत बड़े चबूतरे पर गुंबद बना हुआ था। नाग को एक एक बात याद आ रही थी, वो इस जगह पहले भी आ चुका था। वो उजड़े हुए बाग के कच्चे रास्ते के किनारे किनारे सूखे पत्तों में रिंगता गुंबद की तरफ बढ़ा, क्योंकि केटी के सर की खुशबू उसी गुंबद में से आ रही थी। उधर कारून की बदरू को भी अपनी बदरूहों वाली सातवीं हिस की मदद से पता चल गया कि कोई जिंदा शय गुंबद की तरफ आ रही है। वो झाड़ियों में से निकलकर गुंबद की तरफ आई। उसने स्याह काले सांप को गुंबद की सीढ़ियां चढ़ते देखा तो उसकी तरफ मुंह करके जोर से फुंकार मारी। उसके मुंह से आग का जर्द शोला नाग की तरफ लपका और नाग तड़पकर सीढ़ियों के नीचे हो गया। उसे मालूम था कि यहाँ कानून का खजाना पड़ा है और उसकी बदरू खजाने पर पहरा देती है। नाग ने फौरन एक परिंदे की शक्ल बदली और उड़कर एक दरख्त पर बैठ गया। उसे ये खबर नहीं थी कि बदरू उसे देख सकती थी। बदरू ने सांप को परिंदा बनते देखा तो समझ गई कि ये कोई बहुत बड़ा जादूगर है और इसको हलाक करना आसान काम नहीं है। बदरू ने फूंक मारकर दरख्त को आग लगा दी। दरख्त में आग के शोले भड़के तो नाग वहां से उड़कर दोबारा नीचे आ गया और सांप की शक्ल इख्तियार करके गुंबद की सीढ़ियों के पास पत्थरों में छुप गया। मगर कानून की बदरू उसे देख रही थी, उसने पत्थरों पर आग फेंकी। नाग वहां से भी निकल कर भाग गया। उसे भी बदरू से निजात हासिल करने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा था। बदरू भी इस जादूगर से तंग आ गई जो उसके काबू में नहीं आ रहा था। वो सांप को कोई जादूगर समझ रही थी। उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये वही नाग है जिसके साथ उसने सफर किया था और जिसकी कोठरी में से वो केटी का सर काटकर फरार हुआ था। कारून की बदरू घबराकर शैतानी देवता की झाड़ियों के पास गई और उसे मदद के लिए पुकारा। शैतानी देवता ने उसे बताया कि जिस सांप को वो जादूगर समझ रहा है असल में वही नाग है जिसके साथ उसने सफर किया था और वो केटी का सर वापस लेने आया है। कारून की बदरू यह सुनकर परेशान हो गई। कारून की बदरू ने कहा, मैं इस नाग को किस तरह हलाक करूं? शैतानी देवता की आवाज आई, तुम एक बदरू हो और एक लालची और जालिम शख्स कारून की रूह हो जिसको दौलत से प्यार था और जिसने अपनी जिंदगी में दौलत के लिए कई दुखी इंसानों के दिल तोड़े थे, इसलिए तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा नहीं हो सकती कि तुम एक ऐसे इंसान को हलाक कर सको जो दूसरों की मदद करता है और गरीबों और दुखी लोगों का साथ देता है।
कारून की बदरू ने चीख कर कहा, ऐ शैतानी देवता, तुम हमेशा गुनाहगार रूहों की मदद करते हो, मेरी भी मदद करो। शैतानी देवता ने कहा, मैं गुनाहगारों की मदद जरूर करता हूँ, मगर नेक इंसानों और नेक रूहों का मुकाबला नहीं कर सकता। याद रखो, बदी ख्वाह कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो नेकी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। अचानक शैतानी देवता की आवाज में घबराहट आ गई। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे एक बहुत ताकतवर नेक जिन की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। मैं चला और शैतानी देवता की आवाज गायब हो गई। कारून की बदरू परेशान होकर झाड़ियों से निकलकर गुंबद की तरफ बढ़ी। उसे ना सिर्फ अपनी दौलत, अपने खजाने को बचाने की फिक्र थी, बल्कि केटी की खोपड़ी की हिफाजत का भी एहसास था, जिसकी मदद से वह दूसरी जिंदगी हासिल करने वाली थी। उधर नाग पत्थरों से निकलकर एक बार फिर सूखे दरख्तों की तरफ रींगता हुआ सांप की शक्ल में भागा। अचानक उसके सामने एक इंसानी शक्ल का बौना खड़ा हुआ और नाग को आवाज आई, क्या तुम कभी इधर कभी उधर भाग रहे हो? तुम अहमक हो, तुम्हारी बेवकूफी से केटी का सर कट गया। नाग हैरान होकर बौने इंसान को तकने लगा। नाग ने उस नन्हे बौने से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम केटी को जानते हो? बौने ने कहा, क्या बेकार बातें कर रहे हो, चलो परे हट जाओ, वो तुम्हारी नानी कारून की बदरू आ रही है। नाग ने कहा, क्या तुम सांपों की जुबान भी जानते हो? क्या जानते हो लगा रखी है, मैं सबकी जुबान जानता हूँ, छुप जाओ, वो तुम्हारी नानी आ रही है। नाग ने अपने पीछे जर्द शोले को गिरते देखा। कारून की बदरू ने उसे देखकर उस पर हमला कर दिया था। नाग लपक कर एक दरख्त के पीछे छुप गया। उसने अपना फन जरा सा बाहर निकाल कर देखा कि बौना एकदम बड़ा होना शुरू हो गया और इतना ऊंचा हो गया कि उसका सर दरख्तों से भी बुलंद हो गया। अब नाग समझ गया कि ये केटी का दोस्त जिन है और उसकी मदद को आया है। कानून की बदरू ने अपने सामने एक दियोपैकर इंसान को दरख्तों से भी ऊंचे कद में देखा तो उस पर आग के शोले फेंके, मगर आग के शोले जिन दोस्त के करीब आते ही यूं बुझ जाते जैसे उन पर किसी ने पानी डाल दिया हो। कानून की बदरू ने एक भयानक चीख की आवाज निकाली और खुद एक बहुत बड़ा शोला बनकर हवा में घूमती हुई जिन की तरफ बढ़ी। जिन ने कहा, क्या चीखें मार रही हो बदरू की औलाद, अब तेरी मौत आ गई है, तू हमेशा के लिए फना हो जाएगी। जिन दोस्त ने हाथ बढ़ाकर बदरू के शोले को अपनी हथेली में पकड़ लिया और उस पर जोर से फूंक मारी। शोले में से चीखों की आवाज निकलने लगी। जिन दोस्त ने हथेली को बंद करके जोर से दबाया तो बदरू का शोला बुझ गया और जिन की उंगलियों में से यूं कतरे टपकने लगे जैसे उसने किसी लीमू को निचोड़ दिया हो। बदरू के कतरे जमीन पर गिरे तो सू सू की आवाज के साथ भाप बनकर हवा में गायब हो गई। जिन दोस्त ने अपना दरख्तों के ऊपर तक गया हुआ सर नीचे झुकाया और नाग से कहा, जाओ हमारी केटी के सर को ले जाकर जोड़ दो, हम जा रही हैं। नाग ने कहा, केटी का सर कहाँ है? जिन दोस्त बोला, जाओ यहीं कहीं होगा, उसे तलाश करो, तुम भी तो कोई काम करो, नाग राग साग। और जिन गायब हो गया। नाग फौरन इंसानी शक्ल में वापस आया और उसने केटी की हल्की हल्की खुशबू को महसूस करके जिधर से ये खुशबू आ रही थी उस तरफ बढ़ा। ये खुशबू से सतूनों के पास खजाने के संदूक के पास ले गई। सबसे निचले संदूक पर ताला लगा था और ताले पर एक काली बिल्ली का सर बना हुआ था। नाग ने ताले को हाथ लगाया तो बिल्ली की गुर्राहट की आवाज आई। नाग ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। बिल्ली का सर नाग की तरफ अपनी जर्द जर्द आंखों से घूर रहा था। नाग ने गहरा सांस लेकर खींचा और एक शेर का रूप धार कर गर्जा और एक ही पंजे से बिल्ली का सर कुचल कर रख दिया। साथ ही संदूक का ताला भी खुल गया। नाग दोबारा इंसानी शक्ल में वापस आ गया। उसने ऊपर वाले संदूक को परे फेंका और सबसे निचले संदूक का ढकना उठा दिया। ये संदूक हीरे मोतियों से भरा हुआ था, मगर केटी की इसमें से बराबर खुशबू आ रही थी। नाग ने संदूक में पड़े मोतियों में हाथ डालकर उन्हें परे हटाया तो नीचे से केटी का कटा हुआ सर निकल आया। नाग की जान में जान आ गई। उसने केटी के सर को बड़े प्यार से उठाया, उसे कपड़े में लपेटा और गुंबद की सीढ़ियां उतरकर कुएं वाली खिड़की की तरफ चला कि इस भूल भलैयों से बाहर निकले। दीवार के साथ लगी हुई झाड़ियों को पकड़कर कुएं से बाहर आ गया। ताजा हवा में आते ही उसे बड़ा सुकून हुआ। उसने केटी के सर को मुखातिब करके कहा, केटी बहन बिल्कुल फिक्र ना करो, खुदा के हुक्म से तुम्हें बहुत जल्द दूसरी जिंदगी मिलने वाली है। नाग वहां से तेज तेज चलता सीधा उस कार में आ गया जहां उसने केटी के बाकी धड़ को जमीन में दफन करके कोबरा सांप को वहां पहरे पर बैठा दिया था। सांप ने नाग को आते देखा तो अपनी जगह से फौरन हटकर अदब से खड़ा हो गया। नाग ने जाते ही कहा, तुम जा सकती हो लेकिन यह लाश इसी जगह दफन रहेगी अभी, और जब मैं यहाँ नहीं हूँगा तो तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। कोबरा सांप के जाने के बाद नाग ने जमीन खोद कर केटी की लाश बाहर निकाली। केटी के सर को उसके बाकी धड़ के साथ लगाकर कपड़े से अच्छी तरह कसकर बांधा और लाश को वैसे ही कब्र के अंदर रखकर ऊपर दो चार बड़े बड़े पत्थरों की छिलने रखकर मिट्टी डालकर जमीन बराबर कर दी और निशानी के तौर पर तिकोना पत्थर टिका दिया। एक हफ्ता गुजर गया। दिन के वक्त नाग शहर में मारी और अंबर का सुराग लगाने के लिए चला जाता और पीछे कोबरा सांप केटी की कब्र की रखवाली करता
केटी की लाश को दोबारा जिंदा होने की मोहलत में एक माह बाकी रह गया था। वक्त गुजरता चला गया, 28 दिन गुजर गए। केटी की गर्दन उसके निचले धड़ के साथ जुड़ गई थी। अब सिर्फ उसके मुर्दा जिस्म में जान पड़ना बाकी थी और इसमें सिर्फ दो दिन बाकी रह गए थे। 29वें रोज, जबकि केटी के जिंदा होने में सिर्फ एक रात और एक दिन बाकी रह गया था, नाग दोपहर को शहर की तरफ निकल गया। उसे अंबर और मारिया की भी टो लगी हुई थी। नाग के जाते ही केटी की कब्र पर कोबरा सांप कुंडली मारकर बैठ गया। उस वक्त करतबा के तीन चोर इत्तफाक से उधर से गुजर रहे थे। वो खो की तरफ आए तो कोबरा ने एक चोर को डस दिया। दूसरे चोरों ने तलवारें मार मार कर कोबरा सांप के टुकड़े कर डाले। उन्होंने अपने तीसरे साथी को बचाने की बड़ी कोशिश की, मगर सांप का जहर उसके सारे बदन में फैल चुका था और वह मर गया। दोनों चोरों ने सांप के टुकड़ों को गौर से देखा। एक चोर बोला, इस किस्म के सांप पहाड़ी गारों की बजाय घने सरसब्ज जंगलों में होती हैं। दूसरा बोला, मैंने गार में दाखिल होते ही इसे देख लिया था। ये इस तकोने पत्थर के पास कुंडली मारे बैठा हुआ था। मैं इसे बचने के लिए खबरदार करने ही वाला था कि इस कमबख्त ने हमारे साथी को डस दिया। पहला चोर कहने लगा, ये इस जगह पत्थर के पास क्यों बैठा था? दूसरे चोर ने कान खुजाकर कहा, कहीं ये किसी खजाने पर पहरा तो नहीं दे रहा था? दोनों चोर चौकन्ने हो गए। पहला चोर कहने लगा, बहरी डाकुओं के बारे में सुन रखा है कि वो अपने खजाने इन्हीं पहाड़ियों में ही दबाया करते थे। दूसरा चोर उस जगह को उठकर देखने लगा जहां तकोना पत्थर रखा हुआ था। देखो, निशानी के तौर पर ये तकोना पत्थर भी किसी ने रखा हुआ है। जरूर यहाँ किसी बहरी डाकू का खजाना दफन है। तो फिर देखते क्या हो, इसे खोदना शुरू करते हैं। दोनों चोरों ने खंजरों की मदद से जमीन खोदनी शुरू कर दी। नीचे पत्थरों की सिलें निकली तो एक चोर चिल्लाया, इसके नीचे जरूर खजाना मौजूद है। उन्होंने जल्दी जल्दी पत्थर की सिलों को हटाया तो नीचे से केटी की लाश निकल आई। चोर पहले तो डरकर पीछे हट गए, फिर झुककर गौर से लाश को तकने लगे। ये तो किसी औरत की लाश है। हाँ, मगर खजाना कहाँ है? दूसरा चोर बोला, कोई बात नहीं, खजाना ना सही लाश ही सही। हम इस लाश को ले जाकर बेच देंगे, अभी ताज़ा ताज़ा मालूम होती है। 50-60 दिनार तो जरूर मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, इसे अपने साथ शहर लिए चलते हैं। चोरों ने केटी की लाश को कब्र में से बाहर निकाला। लाश की गर्दन जुड़ चुकी थी और उसे जिंदा होने में एक दिन और एक रात बाकी थी। उसे चादर में लपेटकर चोरों ने घोड़े पर डाला और शहर की तरफ रवाना हो गए। उनमें से एक चोर शहर के मशहूर जर्रा सर्जन मौजूदी को जानता था और उसको कभी कभी लाशें सप्लाई किया करता था। वो लाश को लेकर उसके पास पहुंचा तो सर्जन मौजूदी ने केटी की लाश को पहचान लिया और बोला, ये तो वही लाश है, इसको कोई आसेब उठाकर ले गया था। इसकी गर्दन भी वापस आ गई है, इसे सर्द खाने में रख दो, मैं इस पर रात को तजुर्बा करूंगा। सर्जन मौजूदी ने केटी की लाश अपने सर्द खाने में दोबारा रखवा दी और चोर को 50 दिनार उसकी कीमत अदा करके रुखसत कर दिया। उधर जब नाग वापस आया तो देखा कि गार में पहरा देने वाले सांप के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। केटी की कब्र खुदी पड़ी है और उसमें से उसकी लाश गायब है। नाग को परेशानी भी हुई और सख्त गुस्सा भी आया कि क्या इस शहर में सारे लोग लाश चोर हैं, बार बार लाश को उठाकर ले जाते हैं। बारिश शुरू हो गई थी। नाग ने गहरा सांस खींचकर परिंदे का रूप बदला और शहर में उड़कर आ गया और केटी की लाश का सुराग लगाने लगा। बारिश की वजह से केटी की खुशबू के महसूस होने में रुकावट पैदा हो रही थी। बारिश बहुत तेज और मूसलाधार हो रही थी। नाग के लिए हवा में परिंदा बनकर उड़ना मुश्किल हो रहा था। उसके पर गीले हो जाते थे, बादल गरज रहे थे और बिजली रह रहकर चमक रही थी। नाग परेशान होकर एक जगह बाग में उतर आया और परिंदे ही की शक्ल में दरख्त की गुंजान शाखों में बैठ गया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। मगर बारिश इतनी तेज हो रही थी कि रुकने का नाम नहीं लेती थी। नाग दरख्त पर बैठा सोच रहा था कि अब शायद सुबह को बारिश थमे और वह वहां से बाहर निकले। उसे यह भी एहसास था कि रात 12 बजे के बाद किसी भी वक्त केटी की लाश में जान पड़ जाएगी और हो सकता है कि फिर वो अपना बचाव कर सके और नाग की तलाश में बाहर निकले। मगर नाग को अभी तक ये मालूम नहीं था कि केटी की लाश किस मुकाम पर है। एक शक था कि शायद उसकी लाश को दोबारा शहर के दोनों सर्जन जराहों में से किसी एक के पास फरोख्त कर दिया गया हो। उधर केटी की लाश सर्जन मौजूदी के सर्द खाने में पड़ी थी। आधी रात के बाद उसने अपने गुलाम को भेजा कि जाकर सर्द खाने से लाश उठाकर लेबॉर्टरी में ले आए। जिस वक्त गुलाम सर्द खाने में सीटी बजाता बड़े आराम से दाखिल हुआ तो केटी की लाश में जान पड़ चुकी थी। जब गुलाम सीटी बजाता हुआ केटी की लाश के पास आकर झुका तो केटी ने अपनी आंखें खोल दी। हबशी गुलाम ने लाश को आंखें खोलते देखा तो वहीं पत्थर की तरह बुत बना रह गया। इससे पहले भी उसने एक मर्द की लाश में जान पड़ते देखी थी और उसने घबराकर सीढ़ियों पर से छलांग लगा दी थी। अब इस औरत की लाश में जान पड़ते देखी तो उसका जिस्म खौफ से ठंडा पड़ गया। केटी ने आंखें छपकाकर चारों तरफ देखा और गुलाम से पूछा, मैं कहाँ हूँ? अब जो हबशी गुलाम ने लाश को बोलते देखा तो मुंह से चीख की आवाज निकाले बगैर धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। केटी उठकर बैठ गई। सबसे पहले उसने अपने सारे जिस्म को अच्छी तरह देखा।
अब उसे याद आने लगा कि वो सो रही थी कि किसी ने उसकी गर्दन पर वार किया था। केटी ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, उसकी गर्दन उसके जिस्म के साथ बिल्कुल ठीक जुड़ी हुई थी। केटी खुद ही गौर करने लगी कि जरूर उसकी गर्दन अलग हो गई होगी, और फिर सुबह को नाग ने उसकी गर्दन को उसके जिस्म के साथ लगाकर 3 माह तक किसी जगह रखा होगा ताकि वो दोबारा जिंदा हो सके। मगर सवाल ये था कि अब वो कहाँ पर है और नाग कहाँ है। केटी ने इर्द गिर्द नजरें डाली तो उसे महसूस हुआ कि वो कोई वीरान ठंडा कमरा है। एक आधी कटी हुई लाश उसके करीब ही पड़ी थी। वो यही समझी कि यहाँ शायद लाशों का कारोबार होता है और कोई उसे उठाकर यहाँ ले आया है। उसे नहीं मालूम था कि केटी की लाश के जिंदा होने का वक्त आ गया है। कमरा सख्त ठंडा था और दीवार के साथ पहाड़ी बर्फ के ढेर लगे हुए थे। केटी ने सोचा कि यह बर्फ इसलिए रखी गई है कि लाशें खराब ना हो। बहरहाल अब उसे वहां से बाहर निकलना था। केटी को इस सर्द खाने में भी बादलों की गरज की आवाज सुनाई दे रही थी। जरूर बाहर बारिश हो रही होगी, केटी ने सोचा। वो उठ खड़ी हुई। सर्द खाने का दरवाजा खुला था। गुलाम फर्श पर बेहोश पड़ा था। केटी सर्द खाने से बाहर निकल आई। सामने बालकनी थी। उसने देखा बाहर सहन के बाग में मूसलाधार बारिश हो रही है और रात का अंधेरा छाया हुआ है। उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी। पलटकर देखा तो सर्जन जर्रा मौजूद ही चला आ रहा था। उसने गुलाम को लाश लाने के लिए भेजा था मगर वो अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए वो खुद देखने के लिए लाशों वाले सर्द खाने की तरफ चला आ रहा था। केटी बालकनी के सतून के पीछे अंधेरे में छुप गई। सर्जन जर्राह ने जब सर्द खाने में जाकर देखा कि गुलाम बेहोश पड़ा है और लाश गायब है तो वो घबरा गया। जरूर वही आसिब लाश को दोबारा आकर ले गया है, सर्जन जर्राह ने सोचा। वो कुछ घबराया घबराया सा गुलाम की तरफ पलटा और उसे होश में लाने लगा। गुलाम होश में आया तो सर्जन जर्राह ने पूछा, लाश कहाँ है? गुलाम ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, वो जिंदा हो गई थी, और ये कहकर दोबारा बेहोश हो गया। सर्जन जर्राह गुलाम को उठाकर उसके कमरे में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटाकर उस पर कंबल डाला और बाहर निकलकर डरते डरते बालकनी को देखा। वहां कोई भी नहीं था। बारिश और बादलों की गरज का शोर था। सर्जन जर्राह अपनी लेबॉर्टरी की तरफ चला। लेबॉर्टरी में आया तो क्या देखता है कि उसके तख्ते पर उसी औरत की लाश बिल्कुल सीधी पड़ी है। वो हक्का बक्का सा होकर वहीं खड़ा रहा, फिर धड़कते दिल के साथ लाश की तरफ बढ़ा। करीब आकर लाश को देखा, ये केटी की लाश थी। केटी चुपके से उसकी लेबॉर्टरी के तख्ते पर आकर लेट गई थी। सर्जन हैरान था कि अगर लाश जिंदा हो गई थी तो यहाँ इसे कौन लाया? क्या लाश खुद चलकर यहाँ आई है? उसने केटी की नब्ज देखी तो वह चल रही थी। अब तो उसके रहे सहे होश भी उड़ गए क्योंकि लाश जिंदा थी। वह पीछे हटा तो केटी उठकर बैठ गई। सर्जन जर्राह का मुंह दहशत से खुल गया। केटी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं लाश नहीं हूँ, जिंदा औरत हूँ। जो भी मुझे यहाँ लाया है उसने मुझे लाश समझा था, सर्जन जर्राह ने आयशा से कहा। लेकिन पहले भी तुम एक बार लाश की शक्ल में यहाँ लाई जा चुकी हो और उस वक्त तुम्हारा सर गायब था, ये क्या मामला है? केटी ने अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर कहा, मगर मेरा सर अब तो गर्दन पर लगा है। केटी उठकर बाहर आ गई और अंधेरे में बारिश को देखकर बोली, ये बारिश कब से हो रही है? सर्जन बेहद डरा हुआ था। वो इस औरत को कोई जिन भूत या चुड़ैल समझे हुए था। खुश खोंटों पर जुबान फेर कर बोला, बारिश बारिश हो रही है, दोपहर से हो रही है। केटी ने सर्जन की तरफ मुंह करके पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि जो कोई भी मुझे तुम्हारे पास लाया था उसने मेरी लाश कहाँ से निकाली थी? सर्जन जर्रा रुक रुक कर कहने लगा, वो दो आदमी थे, कहते थे पहाड़ियों वाले गार से वो तुम्हें लाए हैं, तुम जमीन के अंदर दफन थी। और सर्जन जर्रा की जुबान दहशत के मारे लड़खड़ा गई और उससे आगे बोलना ना गया। केटी ने कहा, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम तो मुझे जर्रा हकीम लगते हो, तुम्हें तो लाशों से नहीं डरना चाहिए। वो बोला, लेकिन मैंने ऐसी लाश कभी नहीं देखी जो बोलती हो, जो जिंदा हो। केटी मुस्कुराई और बोली, मैं लाश नहीं हूँ। फिर तुम कौन हो? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अच्छा मुझे बताओ कि वो गार किन पहाड़ियों में है जहाँ से मेरी लाश निकाली गई थी? सर्जन जर्राह ने कहा, मेरा ख्याल है वो जनूबी जंगल के करीब पहाड़ियाँ हैं। तुम्हारा शुक्रिया। केटी को यकीन था कि अगर किसी ने उसकी लाश को पहाड़ियों वाली गार से बाहर निकाला है तो जरूर नाग ने उसे वहाँ कत्ल होने के बाद रखा हुआ होगा ताकि 1 महीने की मोहलत पूरी हो जाए और केटी एक बार फिर जिंदा हो सके। इसलिए नाग जरूर वहीं गार में या उसके करीब ही कहीं होगा। अब वो करतबा की जनूबी पहाड़ियों की तरफ गार में जाना चाहती थी मगर बाहर शदीद बारिश हो रही थी। गली चूंकि ढलानी थी इसलिए वहां पानी नहीं रुका हुआ था। अचानक केटी को घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि पास ही अस्तबल में घोड़ा बंधा हुआ था और उस पर कंबल पड़ा था। केटी ने अस्तबल में जाकर कंबल अपने ऊपर डाला और खुद घोड़े पर बैठकर मूसलाधार बारिश में गली में निकल आई। तेज बारिश में उसे घोड़ों के टापों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। घोड़ा कदम कदम चलता गली में से निकलकर बाजार में आ गया। बड़ी अंधेरी रात थी। बाजार में किसी किसी मकान में जलती रोशनी का अक्स पड़कर अंधेरे में चमक रहा था।
बाजार में बारिश का पानी दरिया की तरह बह रहा था। केटी घोड़े पर सवार बाजार में से गुजरकर शहर के बड़े दरवाजे में से शहर से बाहर आ गई। शहर से बाहर घुप अंधेरा था और हर तरफ पानी ही पानी था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। केटी ने अपने सर पर जो कंबल डाल रखा था वो पानी में शराबूर हो गया था। केटी किसी जगह रुककर बारिश के थम जाने का इंतजार करना चाहती थी, क्योंकि बारिश में आगे चलना घोड़े के लिए भी मुश्किल हो रहा था। केटी ने सोचा कि क्यों ना वो चुटकी बजाकर कोई परिंदा बन जाए और फिर उड़ती हुई जनूबी पहाड़ियों के गार में पहुंच जाए। उसने जहन में एक सफेद कबूतर का ख्याल लाकर चुटकी बजाई, मगर कोई असर ना हुआ। केटी को अपने जिन दोस्त पर सख्त गुस्सा आने लगा कि अब वो उसके किसी काम नहीं आता। जब कातिल ने उसकी गर्दन अलग कर दी थी तो ये जिन उस वक्त भी खामोश रहा था। उसने केटी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी और अब भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। केटी को यकीन हो गया कि अब उसे जिन दोस्त पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। केटी को ये मालूम नहीं था कि कारून के खजाने वाले संदूक में दबे हुए उसके सर की तलाश में जिन दोस्त ने ही नाग की मदद की थी, और अगर उस वक्त वो नाग की मदद ना करता तो नाग कभी केटी के सर को हासिल नहीं कर सकता था, बल्कि खुद नाग की जिंदगी उस वक्त खतरे में पड़ चुकी थी। केटी ने देखा कि शहर की दीवार के नीचे एक जगह किसी झोंपड़ी में रोशनी हो रही थी। वो घोड़े को लेकर वहां आ गई। ये एक झोंपड़ी थी जिसमें चिराग रोशन था और कोई आदमी कंबल ओढ़े तख्ते पर सो रहा था। केटी घोड़े से उतरी, घोड़े को झोंपड़ी के पास छप्पर के नीचे खड़ा किया और खुद झोंपड़ी में आकर बारिश से बचकर खड़ी हो गई। घोड़े की टापों की आवाज और केटी के पांव की आहट से सोया हुआ आदमी जाग उठा। उसने कंबल मुंह से हटाकर पूछा, कौन है? केटी ने कहा, एक मुसाफिर औरत हूँ, बारिश से बचने के लिए तुम्हारी झोंपड़ी में आ गई हूँ, सोए रहो आराम से। औरत का नाम सुनकर वो आदमी उठकर बैठ गया। उसने चिराग की रोशनी में केटी को घूरकर देखा। दोबारा जिंदा होने के बाद केटी की नीली आंखें चकोर नहीं रही थीं, बल्कि आम औरतों जैसी हो गई थीं। ये आदमी एक खूनी डाकू का जासूस था जो शहर के अमीर सौदागरों की दौलत के बारे में अपने डाकू दोस्त को सब कुछ बताया करता था। उसने आधी रात के वक्त नीली आंखों और सुनहरी बालों वाली एक खूबसूरत औरत को अपनी झोंपड़ी में देखा तो उसने सोचा कि ये औरत कनीज की हैसियत से किसी अमीर ताजिर के यहाँ फरोख्त की जा सकती है, और अगर उसे अपने काबू में कर ले तो अपने डाकू दोस्त के हवाले करके काफी इनाम हासिल कर सकता है। उस डाकू के पास एक ऐसी दवाई भी थी जिससे आदमी को बेहोश किया जा सकता था। अपने जहन में यह खतरनाक साजिश तैयार करने के बाद उस आदमी ने केटी से बड़ी मीठी जुबान में बातें शुरू कर दी और उसे बार बार बेटी कहकर पुकारने लगा। उसने कहा, बैठो बेटी, मैं तुम्हारे लिए कावा तैयार करता हूँ। केटी खामोशी से बैठ गई और वो आदमी आग जलाकर कावा तैयार करने लगा। केटी को पता ही ना चल सका और उस आदमी ने कावा बनाने के बाद केटी की प्याली में बेहोशी की दवाई डाल दी। ये दवाई फीकी थी और इसका कोई जायका नहीं था। केटी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स उसको अगवा करने की फिक्र में है। उसने शुक्रिया अदा करते हुए कावे की प्याली हाथ में थाम ली और आहिस्ता आहिस्ता करके गरम गरम कावा पीने लगी। वो आदमी भी उसके साथ ही बैठा कावा पी रहा था और केटी को अपनी चमकीली आंखों से देख रहा था। वो उसे इधर उधर की बातें भी किए जा रहा था। कावा पीने के बाद केटी को अपना सर भारी होता महसूस हुआ। उसे यूं लगा जैसे उसे नींद आ रही हो। वह हैरान हुई कि पहले तो कभी उसे यूं अपने आप नींद नहीं आई, आज क्या बात है? अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं इस शख्स ने कावे में कुछ पिला तो नहीं दिया। उसने अपने सामने बैठे हुए आदमी को घूर कर देखा और पूछा, तुमने कावे में क्या डाला था? वो आदमी कहकहा लगाकर हंसा। केटी उठी के वहां से भागे के गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उस शख्स ने केटी को कंबल में लपेटा, घोड़े पर डाला और खुद भी उस घोड़े पर बैठकर शहर से जंगल को जाने वाली सड़क पर घोड़े को डाल दिया। अगरचे सड़क पर पानी खड़ा था, मगर वो घोड़े को दौड़ाई लिए जा रहा था। बारिश अब रुकने लगी थी और आसमान पर बादलों के पीछे सुबह की रोशनी झलकना शुरू हो गई थी। वो बेहोश केटी को लेकर शहर से दूर एक जंगल में दाखिल हो गया। यहाँ एक जगह उसके दोस्त खूनी डाकू और बुर्दा फरोश मुनतालो की खुफिया कमीनगाह थी, जो देवदार के गुंजान दरख्तों के साय में जमीन के अंदर बनी हुई थी और उसके अंदर एक खुफिया रास्ता जाता था। एक डाकू हमेशा उस खुफिया रास्ते के पास झाड़ियों में छुपा पहरा दिया करता था। उस पहरेदार डाकू ने एक घोड़े को कमीनगाह की तरफ आते देखा तो सीटी बजाकर नीचे खबर कर दी। कमीनगाह से खूनी डाकू मुनतालो तलवार लेकर ऊपर आ गया। घुड़सवार करीब आते ही कोड लफज में बोला, अलहमरा अलहमरा। खूनी डाकू मुनतालो ने अपने खास जासूस की आवाज पहचान ली और पूछा, ये क्या लाए हो? उसने बताया, तुम्हारे लिए एक खूबसूरत कनीज लाया हूँ। तुम इसे किसी दूसरे मुल्क के सौदागर के यहाँ बेचकर हजारों दिनार कमाओगे, बस मुझे 100 दिनार दे देना। खूनी डाकू बेहोश केटी को नीचे ले गया। उसने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि लड़की वाकई बड़ी खूबसूरत है और उसकी ढेर सारी रकम वसूल की जा सकती है। उसने अपने जासूस को 100 दिनार देकर रुखसत कर दिया और केटी के मुंह में बेहोशी की मजीद दवाई डाल दी जो उसे 24 घंटे तक बेहोश रख सकती थी।
क्योंकि खूनी डाकू मुंतालो नहीं चाहता था कि इस जगह शोर शराबा हो और औरत होश में आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दे। इसकी वजह यह थी कि शहर में डाकुओं के खिलाफ गवर्नर ने जबरदस्त मुहिम चला रखी थी। खूनी डाकू मुंतालो ने अपने 6 साथियों को जगा दिया और कहा कि हमारे पास एक नायाब औरत आ गई है जिसको मुल्क मिस्र में किसी अमीर सौदागर के यहाँ बेचकर हम 1000 दीनार कमा सकते हैं, इसलिए अभी इस शहर से निकलकर मिस्र की तरफ रवाना हो जाओ। सारे डाकू अपने सरदार के हुक्म पर फौरन तैयार हो गए और घोड़ों पर बैठकर ये डाकुओं का काफिला बेहोश केटी को लेकर उस शाहरा पर रवाना हो गया जो मुल्क मिस्र की तरफ जाती थी। बारिश रुक गई, दिन का उजाला फैलने लगा, नाग दरख्त की शाखों में से निकलकर उड़ गया। अब उसे हर किस्म की खुशबुएं महसूस हो रही थीं, मगर केटी की खुशबू उनमें कहीं भी नहीं थी। बारिश ने हर तरफ जलथल कर दिया था। नाग ने शहर में चारों तरफ उड़कर एक एक मकान पर बैठकर केटी की खुशबू लेने की कोशिश की, मगर उसे केटी की खुशबू किसी घर में भी नहीं आ रही थी। नाग को यह भी एहसास था कि केटी की लाश अब तक जिंदा हो चुकी होगी और अगर उसे किसी ने बेहोश नहीं किया और उसे किसी जमीन के अंदर अंधे कुएं में कैद नहीं किया तो वो भी जरूर इसी शहर में नाग के सुराग में होगी। लेकिन नाग को शहर के किसी कोने से केटी की खुशबू नहीं आ रही थी, जो इस बात का जिंदा सबूत था कि केटी इस शहर में नहीं है। या तो उसे किसी ने जमीन की गहराइयों में कैद में डाल दिया है और या कोई इसे बेहोशी की हालत में अगवा करने के बाद शहर से निकाल कर ले गया है। वो शहर में इधर उधर केटी को तलाश करता फिर रहा था।